लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। May I come in, sir? Yes. पढ़िए इसे। देख क्या रहे हैं? पढ़िए इसे। आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूं। कौन? जी, अपने दिल की बातों से आपका मन बहलाता हूं। कौन? मेरा मतलब यह है, ये बात यह है कि शर्मा जी, मैं पूछना चाहता हूँ, ऑफिस की फाइलें क्या शेर शायरी लिख ली होती है? जी, मेरा मतलब यह है कि ये काम अपने छोटे सरकार अरुण बाबू का है। अरुण जी कहाँ है? अरुण, ये मेरा मतलब है कि अरुण बाबू के दफ्तर में आने का कोई टाइम ही नहीं है। ये कभी देरी से आते हैं और कभी जल्दी से चले जाते हैं। आज तो वो दो दिन से दफ्तर में आए ही नहीं। क्या जी? शर्मा जी, ये दफ्तर है, उसके बेकार दोस्तों का अड्डा नहीं। यहां जब जी चाहे चला आए, जब जी चाहे चला जाए, समझे आप? जी, अब जा सकते हैं। जी, मेरा मतलब है फाइल। वर्सेस फूड्स। चौधरी। मैंने कहा जी, आपने दोपहर की दवाई खाई या नहीं? देखो सुषमा, तुम्हें चिंता लगी है मैंने वक्त पर दवाई खाई है या नहीं, मगर मुझे परेशान कर रखा है तुम्हारे लाडले बेटे ने। क्यों, फिर कुछ हुआ? जी हाँ, साहिबजादे पिछले दो दिन से दफ्तर नहीं आए। आई एम फेड अप विद हिम। इन बाप बेटे के दरमियान मैं तो ऐसे पिस रही हूँ जैसे चक्की के दो पाटों के बीच अनाज। क्या हुआ माँ जी? होना क्या है, बाप है कि 24 घंटे पैसे और बिजनेस की बात करते हैं, और बेटा है कि संगीत को ही अपना सब कुछ समझता है। अनुरोध पे आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ, मैं ये गीत सुनाता हूँ। अपने दिल की बातों से आपका दिल बहलाता हूँ, आपके अनुरोध पे। मैंने कहा कविराज कहाँ खो गए? ये धुन कैसी लगी? बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी। सच? हारू, जब भी तुम मेरे गीतों को अपने सुरों में ढालते हो ना, तो ऐसा लगता है जैसे मेरे बेजान लफ्ज में जान आ गई। गलत, बिल्कुल गलत। अमा, तुम लिखते इतना अच्छा हो कि धुने अपने आप गले में मचलने लगती। फिर वही बहस चल पड़े। मौसी, बात बहस की नहीं, सच्चाई की हो रही है। और सच्चाई ये है कि श्रीकांत के गीतों की वजह से आज संगीत की दुनिया में लोग तेरा नाम जानते हैं, यही ना? बिल्कुल। लेकिन तुम्हारे डैडी नहीं जानते। बाप रे बाप। मौसी जानती हो, जब पहली बार डैडी को पता चला कि मैं गाना गाता हूँ, घर पे क्या हंगामा किया उन्होंने। इसलिए मैंने रेडियो स्टेशन पे अपना नाम भी बदला दिया, अरुण से संजय कर दिया, और अखबार में कोई फोटो तक नहीं छपने दी ताकि किसी को पता ही नहीं चले। बहुत ही अच्छा किया। अब तो रेडियो स्टेशन जा। टाइम क्या हुआ देख? अरे बाप रे, 6:05 कब? अरे 5 मिनट के बाद मेरा रेडियो पे लाइव प्रोग्राम है। अरे बेटे चाय तो पीता जा। मौसी, अगर चाय पीऊंगा तो सक्सेना साहब मेरी ऐसी की तैसी कर देंगे। वैसे रो रहे होंगे कि संजय का बच्चा हमेशा लेट आता, ऑलवेज लेट, ऑलवेज लेट। संजय आ गया? नहीं सर, अभी तक नहीं आया। ये संजय का बच्चा मुझे हमेशा मुसीबत में डालता। ही ऑलवेज कम्स लेट। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। सर, संजय साहब का प्रोग्राम कैंसिल कर दें। कैंसिल इट, कैंसिल इट। संजय की जगह मैं गा दूं।
तुम गाओगे? अगर आप मुझे चे 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 ताल देंगे तो मैं जिंदगी भर आपका एहसान मान रहूंगा। ऑल इट, तुम ही गाओ। थैंक यू। ये ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ है। हमें अफसोस है, किसी कारणवश हम आज आपको संजय कुमार के गीत नहीं सुनवा पाएंगे। उनकी जगह आज एक नए कलाकार माहिर लखनवी अब आपको अपना गीत सुनाएंगे। ओ यू, आवाज की दुनिया के दोस्तों, आज मुझे फिर देर हो गई, इसलिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं। यहां आने से पहले मैं श्रीकांत के साथ था। श्रीकांत का ये कहना है कि लोगों को उसके गीत इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि मैं गाता अच्छा हूं, लेकिन मेरा ये कहना है कि वो गीत इतने अच्छे लिखता है कि मैं चित्रा गा पाता हूं। खैर, मेरी आवाज में सुनिए श्रीकांत का गीत और आप लोग खुद ही फैसला कर लीजिए। आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ, मैं ये गीत सुनाता हूँ। आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ, मैं ये गीत सुनाता हूँ। अपने दिल की बातों से आपका दिल बहलाता हूँ, आपके अनुरोध पे। मत पूछो औरों के दुख में ये प्रेम कभी क्यों रोता है, मत पूछो औरों के दुख में ये प्रेम कभी क्यों रोता है। बस चोट किसी को लगती है और दर्द किसी को होता है। दूर कहीं कोई दर्पण टूटे तड़प के मैं रह जाता हूँ, आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ, मैं ये गीत सुनाता हूँ। जिसकी करता हूँ तारीफ मैं जिसकी करता हूँ, क्या रूप है वो क्या खुशबू है, कुछ बात नहीं ऐसी कोई, ये एक सुरों का जादू है। कोयल की एक कूक से सबके मन में भूख उठाता हूँ, आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ, मैं ये गीत सुनाता हूँ। हूँ जो वो जंजीरें कैसे
ये भेद बता दूं गीतों में तस्वीरें कैसे बनती हैं। सुंदर होठों की लाली से मैं रंग रूप चुराता हूँ। आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ, मैं ये गीत सुनाता हूँ। अपने दिल की बातों से आपका दिल बहलाता हूँ। आपके अनुरोध पे Boy, you are simply great. I am proud of you. Thank you, sir. Kya gana gaya? Aao mere saath. Come with me. Come with me. Come on. Take your seat. Thank you, sir. You late, Latif. Tumhari sab baatein mujhe achhi lagti hai. Sirf ye der se aana na, mujhe bilkul pasand nahi. Sir, I am very very sorry, sir. Last chance, absolute last chance. Aainda meri wajah se aapko kabhi koi takleef nahi hogi. Waqai kabhi koi takleef nahi hogi. क्यों? मेरा ट्रांसफर हो गया, मैं कलकत्ता जा रहा हूँ। ओह सर। बैठो। यस सर। लेकिन ये तो बहुत बहुत बुरी बात है। वाकई बुरी बात है। ये लखनऊ छोड़ना, फिर तुम्हारी आवाज से दूर रहना, क्या करूँ, मजबूरी है। लेकिन कभी कलकत्ते आना तो मुझसे जरूर मिलना। ऑफकोर्स सर, जब भी मैं कलकत्ते आऊंगा जरूर मिलूंगा। देखिए ना, अगले महीने ही मैं आ रहा हूँ, मेरी एचएमवी की रिकॉर्डिंग है। अच्छा, कलकत्ते आए और मुझसे नहीं मिले तो मजा चखाऊंगा। नहीं सर, ऐसा कभी हो सकता है कलकत्ते और आपसे ना मिलूं? सर, मेरे लायक और कोई सेवा हो? अपने नए नए गाने हमेशा मुझे भेजते रहना। जरूर, इट्स अ प्रॉमिस। मैं चलूं सर? यू लेट लतीफ, इन स्पाइट ऑफ इट आई लव यू। इवन आई लव यू सर। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर कलकत्ता सर। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, गुड लक। बाय बाय। विराज, गाना सुना? हाँ। कैसे लगा? फैंटास्टिक। ओह गुड। इधर इधर बैठ। मुंह खोलो। क्यों क्यों? अरे मैं देखना चाहता हूँ आखिर तेरे गले में है क्या जो सबको पागल बना देता है। मेरे गले में कुछ नहीं है, ये तेरे गीत ही हैं जो मेरे गले को अपने आप सुर में ले आते हैं। अच्छा बाबा, मैं तुझसे बहस नहीं कर सकता। बहस करनी भी नहीं चाहिए। ये तेरी दवाइयाँ और ये फल। मौसी, मौसी एक गिलास पानी लाना। कितनी बार कहा किसी बड़े डॉक्टर को दिखा, तू है लेकिन मेरी बात ही नहीं मानता। मैं तो इसे कह कह कर थक गया, अब तू ही कुछ समझा। मौसी मैं क्या समझाऊँ, मेरी बात माने तो समझाऊ ना। देख, कल तू मेरे साथ चलेगा। आखिर मुझे हुआ क्या है? मामूली सी खांसी है, दो चार दिन में ठीक हो जाएगी। पिछले एक साल से यही तो सुनता रहा। देख श्री, आई कांट लेट यू निगलेक्टेड, मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। देख, तू समझता नहीं, तेरी जिंदगी मेरी है और मैं अपनी जिंदगी इतनी आसानी से अपने हाथों से जाने नहीं दूंगा। तू तो ऐसी बातें कर रहा है जैसे मैं वाकई इस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूँ। देखा ना मौसी कैसी बातें करता है। ये तो पागल है। तू वादा कर, कल बड़े डॉक्टर के यहाँ चलेगा और अपना इलाज पूरे तरीके के साथ करेगा। ये वादा कर, वादा कर, ये वादा कर। हाँ 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 बाबा, वादा करता हूँ। देखा ना मौसी कितना अच्छा लड़का है। बिल्कुल तेरे से। अच्छा, तो इसी बात पे गरम गरम पूड़ियाँ हो जाए और मेथी की भाजी। अरे बेटे, तेरे घर से दो बार नौकर आ चुका है, माँ इंतजार कर रही होगी। माँ इंतजार कर रही होगी। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। ये लड़का तो मेरी एक दिन जान लेके रहेगा। माँ जी, माँ जी, छोटे बाबू आ गए। आ गया तो मैं क्या करूँ? ओ माँ। पूरण सी, इसे कह दो मुझसे बात नहीं करे। जी अच्छा। माँ जी आज बहुत गुस्से में है। तो तू मुझसे नाराज है? मैंने कहा ना मुझसे बात मत कर। अरे आखिर बात क्या है? तू आज दफ्तर में क्यों नहीं गया? ओ माँ क्या है, वो रेडियो पे मेरा गाना था ना। गाना शाम को था, दिन में नहीं था। आज सारा दिन तेरे डैडी का फोन बजता रहा, अरुण आया कि नहीं, अरुण आया कि नहीं। ओहो माँ, तुम तो डैडी को जानती हो, जब सब काम ठीक से चल रहा हो ना तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, तकलीफ होती है। फिर वो कोई ना कोई छोटी सी बात लेकर हम सबके लिए एक मुसीबत सी पैदा कर देते। दैट इज ऑल हैबिट, ये डैडी की पुरानी आदत है माँ। और तेरी आदत है हर बात को हंसकर टाल देना। ओहो छोड़ना माँ, देख कितनी भूख लगी, जानती सुबह से कुछ नहीं खाया। कुछ नहीं खाया? हाँ। पूरण सिंह, पूरण सिंह जी, जल्दी अरुण के लिए खाना गर्म कर। जा जल्दी अरुण के लिए खाना गर्म कर। जी अच्छा। सताले बच्चों, जी भर के सताले, जब माँ मर जाएगी ना तब पता चलेगा। अरे माँ क्या तू उल्टी सुलटी बातें करती है। अरे मेरी प्यारी माँ, अच्छी माँ, देख मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। देख मैं तेरे पाँव को भी हाथ लगा रहा हूँ। तू हमेशा मुझे बना लेगा है? नहीं। जा कपड़े बदल ले और जल्दी से कपड़े बदल ले। क्यों 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 क्यों, खाना नहीं खाना? हाँ खाना तो खाना। यस यस यस, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स।
अरुण बेटे जल्दी आओ, खाना लगा दिया है। अरे माँ, जवाब ने तुम्हारा कितनी चीजें बनाई है खाने के लिए। अरे माँ, यू आर ग्रेट। माँ हो तो ऐसी हो, वाह मजा आ गया। अरे यू आर ग्रेट। अच्छा अच्छा बाबा, बातें मत बना। हाँ। चल बैठ के चुपचाप खा ले। चुपचाप क्यों? मैंने कहा ना मुंह बंद। कमाल है माँ, पहले तू कहती है मुंह बंद कर, फिर कहती खाना खा। जब मुंह बंद होगा तो खाना कैसे खाऊंगा? चल खाना खा जल्दी। अच्छा आते वक्त तू श्री के घर गया था? हाँ माँ गया था। क्या हाल है उसका? माँ उसकी तबीयत तो ठीक है, लेकिन ये जो खांसी है ना, उसका पीछा ही नहीं छोड़ती। अजीब न्याय है भगवान का। मैंने आज उसका गीत सुना, कितना अच्छा लिखता है। अरे माँ, वो तो सिर्फ दिखने में मुझ जैसा है, लेकिन अंदर से जानती हूँ मुझसे 100 साल बड़ा है। तो आजकल उसकी तबीयत ठीक नहीं है, जरा तंदुरुस्त हो जाने दो। हम लोग मिलकर गीत और संगीत की दुनिया में चमत्कार कर देंगे। जरूर करना। थैंक यू। लेकिन मेरी भी एक बात माननी पड़ेगी। क्या माँ? बहुत जल्द तेरे लिए एक कान खींचने वाली ले आऊंगी। कौन है माँ? एक राजकुमारी। नहीं माँ, ये राजकुमारी वाला मामला बहुत गड़बड़ है। ये जितनी भी राजकुमारी है ना, ये दूर से बहुत अच्छी लगती है। नहीं। अरे पगले, आज भी उनकी चिट्ठी आई है, लड़की की तस्वीर भेजी। लेकिन मुझे तस्वीर देखनी नहीं है माँ, क्योंकि मुझे शादी ही नहीं करनी। कैसे नहीं करनी? कमाल है। माँ जी, माँ जी, बड़े साहब आ गए। बाप रे। चुप से खाना खा, और वो गुस्सा करे भी तो तू चुप रहना। अच्छा बाप आ गए, कहाँ थे सारा दिन? खाना तो खा लेने दीजिए। क्या मैं पूछ सकता हूँ जनाब, आज ऐसे कौन सा सरकारी काम में मसरूफ थे जो दफ्तर नहीं आए? डैडी, दोस्त के यहाँ पार्टी थी। दोस्त के यहाँ पार्टी थी या रेडियो पे तुम्हारा गाना था? मैंने तुम्हें गाना गाने के लिए मना किया था ना डैडी। आज जमाना बदल चुका है, संगीत के बारे में जो आपका ख्याल है वो बिल्कुल गलत है। क्या गलत है, क्या ठीक है, ये सब मुझे तुमसे सीखना पड़ेगा। ये गाना बजाना बाजारी औरतों का काम है, आवारा लड़कों का काम है, शरीफ आदमियों का नहीं, समझे? आप क्यों बेकार में बात को बढ़ा रहे हैं? तुम चुप रहो जी। क्या मैं पूछ सकता हूँ इस घर में बीमार कौन है? बीमार? हाँ बीमार। तुमने लखनऊ मेडिकल स्टोर से ये सब दवाइयाँ किसके लिए खरीदी है? श्रीकांत के लिए। श्रीकांत के लिए? मुझे मालूम, मुझे मालूम। ये श्रीकांत ही है जिसने तुम्हें बिगाड़ा है। खुद तो किसी लायक है नहीं, ऊपर से तुम्हें भी लायक नहीं रहने दिया। आज के बाद तुम उस पर एक पैसा भी नहीं खर्च करोगे। आपका बैंकों में लाखों रुपए इस तरह सड़ा जिस तरह पुराने गोडाउन में पड़ा पड़ा अनाज सड़ा करता है। अगर चार पैसे किसी नेक काम आ सके तो इसमें हर्ज क्या है? अच्छा नेक काम? अगर तुम्हें नेक काम करने का इतना ही शौक है तो खुद पैसे कमा कर क्यों नहीं खर्च करते? जी जी हाँ, जिस दिन अपनी मेहनत से चार पैसे कमाओगे उस दिन समझोगे पैसा क्या होता है। दूसरे का पैसा? दूसरे का पैसा? क्या आप मेरे लिए दूसरे हैं? क्या घर की किसी चीज पर मेरा कोई हक नहीं है? नहीं। हे भगवान, आप क्यों नहीं? चुप रहो। जानते हो ये कीमती लिबास जो तुम पहनते हो, मोटर कार जिसमें तुम चढ़ते हो, ये बंगला जिसमें तुम रहते हो, ये मेरी मेरी मेहनत की कमाई है। आज मैं जो हूं अपनी वजह से हूं। आई एम अ सेल्फ मेड मैन। और तुम्हें लोग सिर्फ मेरे नाम से जानते हैं, समझे? समझा? नहीं अरुण, इनकी बातों का नहीं। माँ डैडी ठीक है। हाँ हाँ मैं ठीक कहता हूँ। ये आपको क्या हो गया है आज? नहीं अरुण, ये घर तुम्हारा ही है। नहीं माँ, ये मेरा घर नहीं, ये तो एक कैद खाना है जहाँ मैं सिर्फ एक कैदी की तरह हूँ। कैदी जो कानून और बंदिश के दायरे में अपना सर पटक तो सकता लेकिन अपनी बात कर नहीं सकता, कह नहीं सकता। तुम जो मर्जी समझो, मगर जब दुनिया को मालूम पड़ेगा कि मेरा बेटा सिर्फ एक गाने वाला है तो मेरे लिए कितनी बेइज्जती की बात होगी। आई हेट द वेरी थॉट ऑफ इट। नहीं नहीं, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें मेरा बिजनेस संभालना होगा, और ये गाना बजाना ये श्रीकांत जैसे फालतू आदमी का साथ छोड़ना पड़ेगा। तो डैडी मेरा भी जवाब सुन लीजिए, ना मैं अपने संगीत को छोड़ सकता हूँ ना अपने दोस्त का साथ। अरुण बेटे सुन मेरी बात। नहीं माँ नहीं, मैं चाह रहा हूँ, मैं अपना अपमान सह सकता हूँ, अपने संगीत और अपने दोस्त का अपमान नहीं सह सकता। अरे अरे उसे रोकिए ना, कहीं सचमुच चला गया तो? जाता है तो जाने दो। हाँ क्या कह रहे हैं आप? अरे उसे समझाइए ना। समझाया तो उसे जाता है जो ना समझो। अरुण मेरी बात सुन, इस तरह जिद नहीं किया करते बेटे, सुन। अरुण मत जा, मत जा बेटे। माँ मुझे आशीर्वाद दो। अरुण अरुण रुक जा, अरुण रुक जा, रुक जा अरुण। जा रहा है तो मेरी एक बात सुनते जाओ। कहिए। ऐसे बंगले की चार दीवारी में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करना बड़ा आसान होता है, मगर इस चार दीवारी के बाहर जिंदगी की छोटी छोटी बात का मुकाबला करते हुए इंसान हजार बार जीता है, हजार बार मरता है,
आप इस बात की चिंता मत कीजिए डैडी, आपकी चार दीवारी के दर्शन में तभी करने आऊंगा जब जिंदगी में कुछ बन जाऊंगा। और कल को दुनिया को यह भी नहीं पता चलेगा कि रेडियो पे गाने वाला संजय आपका बेटा अरुण है। आज के बाद लोग मुझे सिर्फ मेरे नाम से जानेंगे, आपके नाम से नहीं। अरुण! नहीं अरुण, ये सब अच्छा नहीं हुआ। अमा क्या अच्छा नहीं हुआ? अरे आपने राम तो बिल्कुल अब एक आजाद पंछी की तरह, न घर न घर वालों की रोक टोक, न बाहर जाने की बंदिश, न घर पे आने के बाद पूछताछ। लेकिन अरुण बेटे, मुझे सब अच्छा नहीं लग रहा है, मैं अभी कहती हूँ कि घर वापस चला जा। मौसी तू बिल्कुल मेरी माँ की तरह, जरा सी बात हो तो बिल्कुल घबरा जाती। माँ ठीक कहती है। क्या ठीक कहती है? तेरे डैडी ऊपर से जैसे भी है ना, अंदर से तुझे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, अरे पगले जिनके पिता नहीं होते ना, उनसे पूछ के देख, शायद तू ठीक कहता है। लेकिन मैं आज रात की गाड़ी से कलकत्ते जा रहा हूँ। कलकत्ते? कलकत्ते क्यों? देखो ना, यहाँ रहूंगा तो माँ रोज मनाने आएगी, मैं इनकार नहीं कर सकूंगा। और फिर एक शहर में रहकर बेटा बाप के घर न रहे, लोग तो तरह तरह की बातें करेंगे। बेहतरी इसी में है कि शहर छोड़कर चले जाओ, और फिर वहाँ पर अपना भीषण सिंह है और सक्सेना साहब का भी ट्रांसफर हुआ, काम काज में मदद रहेगी। मगर बेटे फिर मौसी, अब तुम बहस करती रहोगी या एक गर्म प्याला चाय? अच्छा अच्छा बाबा, पिलाती हूँ बस। हाँ ये हुई ना फर्स्ट क्लास बात। ये देख, एक बात है, मेरे पास 2000 रुपए हैं, इसमें से 1500 तू रख ले, 500 मैं रख लेता हूं। नहीं अरुण, मैं जब भी तुझसे पैसे लेता हूं ना, मेरी आत्मा अंदर ही अंदर से मुझे काटती है। अरे पागल, जिसे तू अपनी आत्मा कहता ना, वो तेरा स्वाभिमान है। और देख, मैं तुझे ऐसे नहीं दे रहा हूं, तू समझता नहीं है। देख, तेरे गीत है ना मेरे संगीत की आत्मा है, और मैं अपने संगीत के लिए कुछ भी कर सकता हूं। झूठा कहीं का? अरे झूठ तो तू बोल रहा है। अरे छोड़, मैं ये पैसे तुझसे नहीं लूंगा। अमा कैसे नहीं लोगे, तू मेरे बिजनेस में बराबर के हिस्सेदार हो, ये लो। ये हुई ना बात, तेरे जैसे दोस्त कहानी अफसानों में मिलते हैं, जिंदगी में नहीं। मार गया ना बंडल। देख, मैं कुछ नहीं जानता, मेरे यहां से जाने से पहले मेरी 3 बातें तुझे माननी पड़ेंगी। अच्छा बोल। पहली, तू रोज डॉक्टर के यहां जाएगा। जाऊंगा। दूसरी, तू वक्त पर दवाई खाएगा। खाऊंगा। तीसरी, तू बराबर लिखेगा। अरे बाबा लिखूंगा। तो बस और क्या चाहिए, अरे अपनी जिंदगी की गाड़ी तो यूं दौड़ा करेगी जैसे रेलगाड़ी दौड़ा करती है, खटाखट 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 खटाखट। ब्रदर साडे शहन शाह कब आए भाई, ओ गले बले लगो, ओ जरा गले तो, ओ साडे कपड़े गंदे। अरे पागल आना। ओए ओए ओ अभी जी, ओए पापा जी पकड़े। छड़ पकड़ नू, साडे बचपन दा फ्रेंड आया, एनु सत श्री अकाल कर। सत श्री अकाल पापा जी। क्या तेरी छुट्टी, काम बंद? ओ भाई अचानक कैसे, न चिट्ठी न पत्री? ओह क्या है, मेरी यहाँ पे रिकॉर्डिंग है ना, और क्या पिताजी को मेरा गाना वाना पसंद नहीं है, इसलिए थोड़ी सी गर्मा गर्मी होगी। और मैं घर छोड़ के चले आए, मैं समझ गया, तो घबराने दी क्या बात है, सदा कर रहे हैं। थोड़ा सामान किथे? टैक्सी में। टैक्सी में क्यों? अरे देख, अरे तू समझता नहीं है ना, पहले तो अकेला था, अब तेरी शादी हो गई, भाभी है, मैं किसी होटल में। क्या बात करता है, साढ़े होते हुए होटल में रहेगा, दूंगा उल्टे हाथ की। अभी तू खड़ा, अभी तक तू गया क्यों नहीं? अब जा रहा हूँ। और जाके आधा सामान लेकर आ चाट से, 24 घंटे दुनकी में रहता है, उल्लूदा पट्ठा। और सारे ब्रदर आओ, घर आओ, आओ आओ। ओ मैं क्या मंजीत जी, देखो कौन आया है। कौन आया है? अरे पापा जी आप, सत्री का। अरे तू इसे पहचानती है? पहचानती क्यों नहीं,
अरुण वीर जी है, तादी शादी में आए थे ना। ओ बल्ले बल्ले बल्ले, ओ इसकी गल सुनी, ये कहंदा है मैं होटल में जाके रहूंगा। होटल में क्यों? वो क्या है भाभी, अभी तो आप जी का मतलब है कर छोटा है? नहीं नहीं नहीं, कर छोटा नहीं है वो। पापा जी कर छोटा है पर दिल तो बड़ा है। ओए ओए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सुना, हम सरदारों के दिल बहुत बड़े होते हैं। ये तो सही बात है। ओ तू शक्ल क्या देख रही है भाई, जाके कुछ नाश्ते पानी का इंतजाम कर। ओ जाते कर जाते कर। बैठे बैठे मैं लाती हूँ। आओ जी आओ मेरे यार, आओ जी इधर बैठो बैठो। हाँ अभी ना तुम। हाँ जी जैसे एक बात पूछू। हाँ पूछो। शादी में भाभी को देखा था तब तो ये ऐसी नहीं थी। ऐसी मतलब? मेरा मतलब है साल भर में इतनी तरक्की। ब्रदर पंजाबी में कहते हैं खाना पीना ठीक हो तो इंसान का बाकी सब कुछ अपने आप ठीक रहता है। समझे? समझ गया। तो जरा खांदे पींदे लोग हमको अच्छे लगते हैं। पापा जी सामान कैसे रखूं? मेरे सिर पे रख। बड़ा सर किसा। ओए ओए अफीम, ओ संभालो अफीम जी, ओ संभालो संभालो, अंदर रख उल्लू दा पट्ठा। चल ओए रुक रुक रुक। ओ ब्रदर ये हारमोनियम है? हाँ। तो फिर आज हो ही जा। अभी तो मैं यहीं पर हूँ, फिर कभी। ठीक है, और फिर जाओ। ओए ओ बाहर किसे जा जा उल्लू दे पट्ठे, अंदर जा अंदर जा। चल खांदा रहा उल्लू दा पट्ठा। ओए काली फेर बंद हो गई। अरे भला हो तेरा, तू क्यों बंद हो गई? ये गली भी जब देखो अफीम जी की तरह जहर खा के बंद रहती है। हाँ भाई चल पड़ी। रुकी हुई घड़ी मेरे को बहुत बुरी लगती है, लगता है जैसे किसी के दिल की धड़कन बंद हो गई हो। वाह विजय सिंह बिल्कुल सही बात कही। और मैं क्या मनजीत जी? आई जी। ये क्या है, इतनी सब चीजें कौन खाएगा? आप खाएंगे, पता नहीं गड्डी में क्या खाने को मिल जाऊंगा। खा ले ब्रदर खा ले, इस बहाने मेरे को भी खाने को मिल जाएगा। लो जी आप तो यूं कह रहे जैसे मैं आपको खाने को ही नहीं देती हूँ। ब्रदर वो भी क्या दिन थे जब स्कूल में इकट्ठे पढ़ा करते थे, और वो अपना श्रीकांत क्या लिखता था और तू क्या गाता था, बड़ा मजा आता था। पापा जी रेडियो में जब भी आपका गाना आता है उस टाइम मैंने देखे खुशी से नाचने लगते हैं, सारे मोहल्ले को बुला लाते हैं, बोलते ओ सुनो सुनो अपनी तानसेन की आवाज है। ओ क्यों नहीं अपने तानसेन की। पापा जी मैं जाऊं? ओ तू जा ओए मैं समझ गया। ओ बिल्ली के खेल ले जा रहा है, फिल्म भी नहीं है। उल्टा पट्टा ये पीछा नहीं छोड़ेगा। ये देखिए चाची जी आज ही अरुण की चिट्ठी आई है, वो कलकत्ते में बिल्कुल ठीक है। ये तो अच्छा है कि तुम लोग हो तो उसकी खबर मिलती रहेगी, वरना कलकत्ता इतना बड़ा शहर है और अरुण के पास न तो पैसा है न कोई काम। तुम उसकी चिंता मत करो चाची जी, वहाँ बिशन सिंह है, अपने सक्सेना साहब है, वो उसे कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, और फिर सक्सेना साहब तो उसे कोई ना कोई प्रोग्राम जरूर दिला देंगे। What? तुमको कलकत्ते आए इतने दिन हो गए और तुम आज मुझसे मिलने आ रहे हो? नहीं सर ये बात नहीं, मैंने सोचा कि आप नया चार्ज लेने में बिजी होंगे इसलिए मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। एनीवे HMB के रिकॉर्डिस्ट से मुलाकात हुई थी, तुम्हारे नए गाने की बहुत तारीफ कर रहे थे। मैंने कहा व्हाई नॉट, आफ्टर ऑल संजय इज माय बॉय। थैंक यू सर। सर मुझे पैसों की बहुत सख्त जरूरत है, मेरा यहाँ फिल्मों में जरा चक्कर चला दीजिए ना। यहाँ अभी लोगों से मेरी अच्छी तरह जान पहचान नहीं हुई है, जिस दिन किसी फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर से मेरी मुलाकात होगी तुम्हारे बारे में जरूर कहूंगा। आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू। अरे पगले यहाँ दो चार तुम्हारे प्रोग्राम हो जाने दो, फिर खुद ब खुद लोग तुम्हारे पास आएंगे। अरे हाँ थर्सडे को एक प्रोग्राम कैंसिल है, तुम कहो तो उस दिन तुम्हारा एक लाइव प्रोग्राम फिक्स कर दे। डेफिनेटली सर, इसमें पूछने की क्या बात है, जरूर। लेकिन लेट नहीं आओगे? नहीं आऊंगा सर। थर्सडे 8 PM शार्प। ओके सर, थैंक यू। ओ बिजन सिंह, ओ देख भाभी ने तेरे वास्ते गरम गरम चाय भेजी है। ओ ला भाई ला, मैं भी काम से थक गया, ले भाई। ओए ब्रदर साडे कपड़े पहने हैं। हाँ देख
कैसे लग रहे हो? ओ बिल्कुल मैकेनिक लग रहा। लग रहे हो ना? लग रहा। एक क्वेश्चन सुन, बात ये है कि मैं बैठे बैठे बोर हो गया हूँ। मैंने ये फैसला कर लिया कि अब मैं भी तेरे गैराज में काम करूंगा। पापा जी मेरी छुट्टी तो नहीं हो जाएगी? ओए बीच में बोलना जरूरी है? नहीं ब्रदर, काम मैं करूंगा, तुसी गाना गाओ, मैं तबला बजावांगा। तुम और पंचर जाके लगा तबला बजावेगा। चाय हो जाए। हाँ हो जाए। ब्रदर आहा, क्या बारिश, मजा आ गया। मजा तो तब आए भीषण सिंह जब इतनी बारिश में खूबसूरत लड़की की गाड़ी खराब हो जाए और वो बारिश में भीगती हुई हमारे गैराज में आ जाए और कहे, मैं क्या सुनो जी, बारिश में साड़ी गड्डी खराब हो गई, अनु ठीक कर दो। और फिर बारिश होती रहे, लड़की भीगती रहे, तू गाड़ी ठीक करता रहे और मैं उसे देखता रहूं। मैं गड्डी ठीक करता रहूं और तुसी देखते रहो। गलत, तुसी गड्डी ठीक करते रहो, बिशन सिंह देखता रहे। गलत क्यों? तुम्हारी शादी हो चुकी है, मेरी नहीं। कहीं भाभी ने देख लिया ना तो जिंदगी भर के लिए। ओ मैं तो बिल्कुल ही भूल गया। ठीक है जी, तुसी देख दे रहो, मैं गड्डी ठीक करता रहूंगा। वो आ गई। कौन है भाई? जी मैं यहाँ हूँ। क्या बात है भाई? बरसात में हमारी गाड़ी खराब हो गई, उसके लिए उसको ढकेल कर यहाँ लेकर आए हैं। चल के जरा ठीक कर दीजिए ना। ओ तुसी अथे ठहरो, मैं बड़े मिस्त्री को भेजता हूँ, इधर ही ठहरना। ब्रदर वो आ गई। कौन? जिसका इंतजार था। काम करने का बड़ा शौक है ना आपको, जाके गड्डी ठीक कर दो। जाऊं? जाओ जाओ जाऊं? कहाँ है वो? सामने गाड़ी खड़ी है। ये गाड़ी है या हाथी? खोलो खोलो। खोलता हूँ। अरे सर, अंदर से 6 नंबर का पाना लाना और हथौड़ा। 6 नंबर वाला पाना? हाँ। अच्छा। और सुनो, हाँ, गाड़ी की चाबी कहाँ है? चाबी अंदर में लगी है महाराज। अच्छा। अरे मेरी छतरी, मेरा छाता। सर में बाल नहीं है। अपना काम करो। हाँ। ये रही हथौड़ी, ये रहा पाना। इधर 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 आए। ये लड़की कौन है? ये हमारी मलकिन है। बड़ी गरम दिमाग की है, आज गाड़ी को धक्का लगाना पड़ा, पानी पानी हो गई। ए भोलू इधर आओ। हाँ जी। और कितनी देर लगेगी? बीबी जी मशीनरी का मामला है, सारी रात भी लग सकती है। इडियट। जी बीबी जी। सुनो जी, और कितनी देर लगेगी? बस फिक्र मत करो बीबी जी, आप भी ठीक किए, देता हूँ इसे। पेट्रोल की नली साफ कर रहा था, जरा पोछ दूँ। ठीक है ठीक है, तुम गाड़ी ठीक करो। अरे ये क्या? गाड़ी ठीक कर रही हूँ। तुम गाड़ी ठीक कर रहे हो या तोड़ रहे हो? अरे अब देखो तो सही दोस्त। हाँ जरा स्टार्टर मारियो। हाँ जी महाराज जी। देखा बीबी जी, बीबी आपकी गड्डी जो है ना सुसरी जानवर की तरह, जब तक डंडे का इस्तेमाल ना करो सुसरी चलती नहीं। तुम बक बक बहुत करते हो। अच्छा मेरे पैसे देना। लीजिए बीबी जी। बोलो कितने पैसे हुए? हाँ बीबी जी, चार से जो आप देंगे वही ले लेंगे। क्या चार से कुछ नहीं देंगे? कुछ नहीं लेंगे। ये ले तुम्हारे 5 रुपए। हाँ बीबी जी। अब क्या है? गरीब का छाता। सलाम बीबी जी। स्टार्ट करो ड्राइवर। चलो। हाँ जी बीबी जी।
में भी फिर कभी गड्डी खराब हो तो हमें जरूर याद कीजिएगा। अरे भाई ये रुमाल किसका है? लड़की का। लड़की किधर से आई? आसमान से। आसमान से तो बूंदे टपक रही हैं। बस आसमान की बूंदों के साथ साथ वो भी टपक पड़ी सीधा मेरे दिल में, समझे? नहीं समझे? नहीं समझोगे। कमाल है भाई। ओए होए होए सोनियो, आपके पराठे बनाने के अंदाज से लगता है कि पराठे का स्वाद क्या होगा। ओए होए, आन दो। ये क्या जी, अब पराठा उधर क्यों रख दिया? अरुण पापा जी को आने दो, दोनों साथ बैठकर खाना, नहीं तो बहुत बुरा लगता। और नहीं लगता जी बुरा, सानू पराठा दो। नहीं। ओए मर गए भूखे मारे। ओ मैं क्या अरुण ब्रदर, ओ जल्दी आ भाई। अरे बिशन सिंह, 10 बजे डाक जाती है, मैं माँ जी और श्री को चिट्ठियाँ पोस्ट करके आता हूँ। अरे भाई पराठा तो खा के जा। अरे बादशाह सबर तो करो, अब ये जा रही है और ये आ रही हूँ। अरे तू जा रही है और आ रही है, मैं भूखा मर रही हूँ। कैसे बातें कर रहे हो जी, हेलो खाओ। मंजीत आज तो अपने हाथ से पराठा खिला दे। हेलो खाओ ना, पराठा ठंडा हो जा रहा है। ठंडा होन दो, ठंडा होन दो। पापा जी मेरा हिस्सा। ओ कौन है ओए? ओए अफीम जी, तेरा इस वक्त आना जरूरी था। पापा जी मैं कहाँ आया हूँ, वो तो परांठों की खुशबू खींच लाई। तो ले ये पराठा, पीछे मुड़ के ना देखना उल्लूदा पट्ठा। ओ महाराज जी माफ करना। ओ महाराज जी, महाराज जी मैं तो आप ही के पास जा रहा था। क्यों, क्या तकलीफ है? गाड़ी फिर से खराब हो गई है। गड्डी? ये गड्डी है या खटारा जो बार बार खराब हो जाती है? कहाँ पासी है? साहब के बंगले पर, आइए। अरे मेरे यार तू इतना घबराया हुआ क्यों है? घबराऊ नहीं तो क्या करूँ, वो अपनी छोटी बीवी जी है ना। अरे बाप रे, एकदम आर्मी स्टाइल, कोई भी ड्राइवर वहाँ 4 दिन नहीं टिकता। टिकता क्यों नहीं, घर में कोई समझाने वाला नहीं है? वो सुनती किसकी है, बस एक नाना जी है, उनको अपने अनाथ आश्रम में काम से दिन भर फुर्सत ही नहीं मिलती। अच्छा, ये अनाथ आश्रम की मेन बिल्डिंग है और ये है बच्चों के खेलने की जगह और ये दोनों हॉस्पिटल है। इसका चार्ज देना पड़ेगा डॉक्टर तुमको। आप कहते हैं तो जरूर ले लूंगा। अब बताओ हमारा सपना कैसा लगा? बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल। कितना सुंदर अनाथ आश्रम, शायद ही हिंदुस्तान में कहीं दूसरा होगा। डॉक्टर इसे अनाथ आश्रम नहीं आनंद आश्रम कहो। छोटे छोटे फूल जैसे बच्चे जहाँ खेलते कूदते फलते फूलते हैं, वो जगह तो आनंद की भूमि है, उसे आनंद आश्रम कहना चाहिए। आप सही कहते हैं। नाना जी। हाँ बेटा। अरे अभी तक तो कॉलेज नहीं गई। मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग। फाइन थैंक यू। मैं पूछ रहा हूँ तो अभी तक कॉलेज कहाँ नहीं गई? कैसे जाती, तैयार होकर नीचे गई तो गाड़ी खराब। फिर गाड़ी खराब। ये भालू का बच्चा। अरे कहाँ गया भालू राम? वो क्या करे, गाड़ी का काम आता नहीं और गाड़ी चलाता है। तेरी गाड़ी तो कोई राजकुमार ही चला सकता। राजकुमार? अरे मेरे कहने का मतलब है राजकुमार से शादी कर ले, तेरी गाड़ी चलती रहेगी। नाना जी आप तो। आप तो क्या जाए, मैं पैदल जाती हूँ। बाय बाय अंकल। अजीब मिजाज है इसका, बिल्कुल अपने नाना की तरह। आप लोग चाय पीजिए, मैं उसका प्रॉब्लम सॉल्व करके आता हूँ। आपको कराओ। खोलो तो मैकेनिक को ले आए। सलाम बीबी जी। तुम खोलो तो फिर से ले आए। बीबी जी और कोई मिला? बीबी जी आप फिक्र मत करो, हम गड्डी को बिल्कुल फिट कर देंगे। बोलू राम जरा टूल पाना तो लाना। अभी लाया जी। देखो तो मेरी गाड़ी को बिल्कुल नहीं छुएंगे। अजी कैसे नहीं छुएंगे, आपका आदमी मने को बुला के लाया, ये एक मजदूर की रोजी का सवाल है। अंग्रेजी में ज्यादा किटपिट मत करो, अगर मैंने अंग्रेजी बोली तो आपकी बोलती बंद कर दूंगा। यस। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? नाना जी देखो ना, बोलू फिर से उसी मैकेनिक को लेके आया जिसने कल रात मेरी गाड़ी ठीक की थी। तो बुरा क्या, ठीक ही तो है। देखो ना तमीज से नहीं बोलता। चाचे सलाम साहब। तस्लीम तस्लीम, तुम मैकेनिक हो? हाँ साहब। तो ये एक्टर का बाल क्यों बड़ा रखा है? वो साहब एक राज की बात है। क्या? वो जब मैं गांव से निकला था, मैंने अपनी माँ से बोला था कि मैं एक्टर बनूंगा, मैकेनिक बन गया। जरूरत से ज्यादा बात करता है। यही तो। गाड़ी में क्या गड़बड़ है साहब? गाड़ी में कोई
हाँ सॉरी, हाँ गाड़ी में कोई गड़बड़ नहीं है साहब, गाड़ी को दरअसल आपके प्यार ने बिगाड़ रखा है। हथौड़ा मारो, मेरी सबसे प्यारी गाड़ी। हाँ साहब, दिल को दारा सिंह की तरह मजबूत रखो। बात क्या है साहब, गाड़ी जो है ना बिल्कुल बीवी की तरह होती है, आप प्यार से रखे तो सर पे नाचेगी। हथौड़ी दिखा दो। क्या आप नहीं समझेंगे साहब, समझ गए। अरे मेरे यार जरा स्टार्टर तो मार, स्क्रू ढीला लगता है इसका। मारे कुछ साहब, नहीं गाड़ी स्टार्ट करो। हाँ नहीं नहीं गाड़ी स्टार्ट करो। अरे साहब क्या कमाल की बात नहीं है, क्या हर गड्डी के अलग अलग नखरे होते हैं, इस गड्डी के नखरे भी मैं जरा समझ गया हूँ। अरे बहुत अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं कोई इस गाड़ी के नखरे को समझ। देखो तुम हमारे ड्राइवर का काम करो। काम करूँ? हाँ हम तुम्हें बहुत अच्छी तनख्वाह देंगे। तनख्वाह देंगे? मुझे साहब मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, कल सोच के बताऊँ चलेगा। जानना पहचान, आपने फॉरेन से नौकरी की ऑफर दे दी। ये बातें ज्यादा करता है लेकिन आदमी काम का। भाई तुम आदमी तो काम के हो। अजी नहीं, ये तो नजर का धोखा, वरना आदमी किस काम का। हाय सुमे। हाय। अरे अनु तो कैसी है? अच्छी हूँ, नमस्ते नाना जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। इधर जल्दी इधर, तेरे लिए खुशखबरी लाई हूँ। अरे भाई क्या खुशखबरी है, हमें भी तो सुनाओ। ओहो नाना जी, आपके लिए नहीं है, जल्दी इधर। भाई डॉक्टर सैन, देखो तुम्हारी बेटी हमें खुशखबरी नहीं सुना रही है। साहब मन्ने इजाजत है। हाँ मन्ने इजाजत है, लेकिन कल तुम जरूर आ जाना। आया डॉक्टर, ये लो। इधर इधर इधर। अरे बता तो सही, बात क्या है? पहले बता क्या देगी? अरे बता तो सही, तेरा हीरो है ना संजय? संजय क्या हुआ उसे? कुछ भी नहीं, आज रात को 8 बजे कलकत्ता रेडियो स्टेशन से वो गाना गाने वाला है। सुए? देख आज के पेपर में है। अरे तुम अभी तक गए नहीं? जा रहे हो बीबी जी, सलाम मैम साहब। Idiot, जानते ना? अनु कब 8 बजे की, कब उसका गाना सुनूंगी? 8 बजे, 8 बजेंगे डार्लिंग, चलो अभी कॉलेज चलते। आवाज की दुनिया के दोस्तों, आपके शहर में मेरा पहला प्रोग्राम है। जैसे कि आप जानते हैं कल रात बहुत सख्त बारिश हो रही थी, मैं अपने एक दोस्त के साथ होते हुए भी बिल्कुल अकेला था। इतने में क्या देखता हूं, एक खूबसूरत सी लड़की बारिश में भीग रही, उसकी गाड़ी खराब हो गई थी। उसे देख के मुझे ऐसे लगा जैसे आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। आवाज की दुनिया के दोस्तों, कल रात किसी जगह पे मुझको किस कदर ये हंसी ख्याल मिला है, राह में एक रेशमी रुमाल मिला है, किस कदर ये हंसी ख्याल मिला है, राह में एक रेशमी रुमाल मिला है,
जो गिराया था किसी ने जान कर, जिसका हो ले जाए वो पहचान कर, वरना मैं रख लूंगा उसको अपना जान कर, किसी हुस्न वाले की निशानी मान कर, निशानी मान कर। हंसते गाते लोगों की बातों ही बातों में कभी कभी एक मजाक से, कितने जवान किस्से बन जाते हैं, उन किस्सों में चंद भूल जाते हैं, चंद याद रह जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। तकदीर मुझ पे मेहरबान है, जिस शौक की ये दास्तान है, उसने भी शायद ये पैगाम सुना हो, मेरे गीतों में अपना नाम सुना हो, उसने भी शायद ये पैगाम सुना हो, मेरे गीतों में अपना नाम सुना हो, दूर बैठी ये राज वो जान ले, मेरी आवाज को पहचान ले, काश फिर कल रात जैसी बरसात हो, और मेरी उसकी कहीं मुलाकात हो, मुलाकात हो। लंबी लंबी रातों में नींद नहीं जब आती, कभी कभी इस फिराक से, कितने हसीन ख्वाब बन जाते हैं, उनमें से कुछ ख्वाब भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। नमस्कार बोलू राम जी, नमस्कार। हाँ नमस्ते जी। नहा रहे हो? जी नहीं, गाड़ी को नहला रहा हूँ। अच्छा कुछ फैसला कर लिया आपने, नौकरी करेंगे ना? अगर तुम्हें कोई नुकसान ना हो तो। जय बजरंग बली, आप नुकसान की बात करें, आपने मुझे बचा लिया। वो कैसे? दिन भर बीबी जी की टह टह सुनते सुनते अपने कान पक गए, अब आप आए, आप जाकर उनकी टह टह सुनी। अरे देख लूंगा वो टह टह करती है या मैं टह टह करता हूँ, तू बीच में टह टह मत करियो। हाँ आती जाती खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तफाक से, कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग कुछ याद रह जाते हैं, आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तफाक से, कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग कुछ याद। बीबी जी सलाम। तुम अंदर कैसे घुसा है? बीबी जी मैं तो बाहर खड़ा था, वो तो बोलू राम बोला कि अंदर को चले जाओ, मैं अंदर को चला। और तुम अंदर को चले आए? और मैंने आके देखा कि आप गा रही थी, मैं सोच ही रहा था कि आपका ध्यान अपनी तरफ करूं कि नहीं, इतने में आपकी नजर मारे पे पड़ी, ना मैं अंदर का रहा ना बाहर का। मैं कहती निकले यहाँ से, मैंने कहा बाहर निकलो,
ठीक है, हम बाहर को निकल जाते। लेकिन बीबी जी, हमारे को तो आपके नाना जी ने बुलाया था। नाना जी ने बुलाया तो सर पे खड़े रहोगे, निकले यहाँ से। हाँ ठीक है, हम सर पे खड़े नहीं रहेंगे, हम तो बाहर जाकर खड़े। अब बीबी जी, नाना जी से बोलिएगा मैं आया। आई से गेट अप इडियट। नाना जी। अरे आ तो रहा हूँ बेटे, चिल्ला क्यों रही? नाना जी वो आपका प्यारा मैकेनिक ड्राइवर आ गया है। ओ ड्राइवर, मैं चल मिल लेता हूँ। नाना जी मुझे वो आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों नहीं पसंद है? क्यों? बोलता कितना है, बोलता ही रहता है। तुम उसे कह देंगे कि नहीं बोले? नाना जी आप उसे हरगिज नौकरी पर नहीं रखेंगे। पर उसे बुलाए, उसे बात तो करनी पड़ेगी। कि बात कर लीजिए, कोई भी बहाना बना के डाल दीजिएगा। अच्छा, पर उसे उसे क्या बहाना, क्या बहाना बना? कोई भी बहाना बना दीजिएगा। क्या बात है भाई, इस तरह मुंह लटकाए बाहर खड़े हो? साहब बीबी जी ने कहा बाहर खड़े रहो, इसलिए मैं बाहर खड़ा हूँ। अंदर आओ साहब। सलाम। तस्लीम तस्लीम। तो तुम ये सोच कर आए कि यहाँ काम करोगे? हाँ साहब। क्या नाम है तुम्हारा? जी जी वो हमारा नाम है प्रीतम नाथ घायल। क्या इतना लंबा नाम? हाँ जी। इतना लंबा नाम लेके इसे कौन पुकारे? बीबी जी लंबा लग रहा है तो छोटा कर लो। आप चाहो तो प्रीतम कह लो, आप चाहो तो घायल कह लो, और नहीं तो प्यार से नाथ कह लो। ठीक कहते, बहुत बकबक करता है। मैं कहती थी ना। सुनो भाई प्रेमनाथ। प्रीतम नाथ। अरे हाँ भाई, प्रीतम नाथ गोयल। घायल साहब। भाई प्रीतम नाथ तो समझे, लेकिन शायरों की तरह तुमने अपने नाम के साथ घायल क्यों लगा रखा? क्यों लगा रखा है? वही तो पूछ रहा हूँ। तुम शायर हो? बस यूं ही कलम चला लिया करता हूँ। आप कहिए तो कुछ सुनाऊं। हाँ सुन लेते हैं। सुनने अर्ज है। पहले उसने रस कहा, फिर गुल कहा, फिर ले कहा। समझा नहीं भाई, आगे बढ़ो। इस तरह जालिम ने रसगुल्ले के टुकड़े कर दिए। अरे बाबा क्या बटवारा किया रसगुल्ले का। अरे बड़े बड़े शायर समरसॉल्ट यानी पलटी खा गए। अब मेरा भी सुन लो। जी आप। अरे सुनाने देना। हाँ भाई सुनाओ। देखो, रात भर दड़बा दड़बा समझते हो? मुर्गी का घर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। रात भर दड़बे पर बैठा मैं यही सोचा किया कि किसके अंडे खाऊंगा मुर्गी के मर जाने के बाद। अरे आपने तो हमारे रसगुल्ले पर अपना अंडा धर दिया। धर दिया ना। नाना जी क्या आप लोग शायरी करने लगे? आपने से शायरी करने बुलाया नौकरी के लिए? देखो भाई प्रीतम सिंह नाथ। हाँ प्रीतम नाथ सुनो भाई, हम एक बात बताना भूल गए। तुम तो कुमार हो, इसलिए हम तुम्हें रख नहीं सकते। अगर तुम शादीशुदा होते तो हम तुम्हें जरूर नौकर रख लेते। शादी? हाँ ये लो। अरे हमारी शादी तो बचपन में ही हो गई। तुम्हारी शादी हो गई? हाँ, और हमारे तो दो लौंकड़े भी हैं। लौंकड़े समझते हैं? दो बच्चे भी हैं। बच्चे भी हैं? इतने। तुम जरा यहीं ठहरो। यहीं सुन, बेटी बोल के फंस गया है, मैंने खाली से रखी है। नहीं नाना जी, ऐसा करते उसे आप तनख्वाह इतनी कम बताए सुनते ही भाग जाए। ऐसा? सुनो भाई, हम गरीब आदमी हैं। मेरा मतलब है हम तुम्हें तनख्वाह ज्यादा नहीं दे सकेंगे। तुम कितना लोगे? लो बोलो, तनख्वाह की क्या बात है? अजी रोटी खाने के लिए तो गांव में खेती बाड़ी बहुत है, बाकी जो दे दोगे ले लूंगा। मैंने तो नौकरी चाहिए इस घर की। फिर फंस गए, अब क्या करें? उफ़ नाना जी, आपके जी में जो आए कीजिए। देखो भाई, हम तुम्हें 400 रुपए महीना। 400? नहीं, हम तुम्हें 300 रुपए महीना तनख्वाह देंगे, खाना देंगे, लेकिन कपड़ा और हजामत के लिए बिल्कुल पैसा नहीं देंगे। मंजूर है? मंजूर है, ये भी मंजूर है। लेकिन तुम बिल्कुल बकबक नहीं करोगे? अजी बीबी जी, कहो तो जबान काट कर आपके हाथ में धर दूं। देखो नाना जी फिर बकबक कर रहा है। देखो भाई, बकबक बंद बंद। गाड़ी रोकना तो, ड्राइवर हॉर्न बजाओ। अरे बजाते रहो, बंद क्यों कर दिया? अरे आती हूँ यार, आती हूँ। अभी हॉर्न बजाना बंद ही करो। तू तो बिल्कुल आंधी की तरह आती है यार। ओह, मैंने कहा ना हॉर्न बजाना बंद करो। इसे नया रखा है क्या? हाँ। देखो, जब भी कोई गाड़ी में बैठने के लिए आए, तुम्हारी ड्यूटी है उठकर दरवाजा खोलो और झुककर सलाम करो। सुनी, बेचारा गुंगा है ना। ये हो क्या कर रहे हो? बोलते क्यों नहीं?
ओहो बीबी जी, जब मैं बोलता हूँ तो आप बोलती है मैं बहुत बोलता हूँ, जब नहीं बोलता तो बोलती है बिल्कुल नहीं बोलता। ओफो, इसे तो बात करना ही मुश्किल है। मैंने तुम्हें कहा था कि ज्यादा मत बोलो, ये तो नहीं कहा था कि बिल्कुल मत बोलो। जी बीबी जी। अच्छा गाड़ी चलाओ। हाँ जी। संजय बाबू का गाना सुना? लवली ब्यूटीफुल। अनु मुझे ऐसा लगता है कि परसों रात जब मेरी गाड़ी बारिश में खराब हुई थी ना, तो संजय बाबू ने मुझे जरूर देखा है। लेकिन वो कैसे? क्योंकि उन्होंने अपने गाने में वो सब कुछ बयान किया जो मेरे साथ हुआ था। लेकिन तेरी गाड़ी कब खराब हुई थी? मेरी गाड़ी? अरे हाँ, इसी ड्राइवर ने तो मेरी गाड़ी ठीक की थी। अरे ड्राइवर जी, बीबी जी। वो क्या संजय बाबू तुम्हारे घर के आसपास रहते हैं? संजय बाबू वो कौन है? लो, तुम संजय बाबू को नहीं जानते? नहीं जानता। संजय बाबू? संजय बाबू को कौन नहीं जानता। अरे बीबी जी, वो मेरे चाचा जी के ताऊ जी के मामू जी के भतीजे जी हैं। ओफो, इससे तो बात करना ही मुश्किल है। तुम्हें तो किसके मुंह लगती है? क्या हुआ? सुमिता, कॉलेज में स्ट्राइक ने जोर पकड़ लिया। कई स्टूडेंट्स घायल भी हुए। अनु, जरा अपने डैडी को फोन कर दो, जख्मी स्टूडेंट की देखभाल ठीक से करें। अरे उन्हीं के अस्पताल में सबको ले जाया जा रहा है। अच्छा, सुनिए घर चलना। ड्राइवर, गाड़ी वापस अनु के घर ले चलो। क्या कह रही बेटी, पुलिस को टियर गैस छोड़नी पड़ी, फायरिंग भी करनी पड़ी? तू तो ठीक है ना? बहुत से स्टूडेंट घायल हो गए और उनको कहा डॉक्टर सेन वाले अस्पताल में पहुंचा दिया गया, तो तू घर चल लिया। क्या कहें गुप्ता जी, आजकल के स्टूडेंट्स क्या हो गए। माथुर साहब, आज जमाना सचमुच बहुत खराब हो चुका है। पता नहीं जमाना ठीक कब था, आज हम आजाद है तो आपस में लड़ रहे हैं। कल अंग्रेजों में गुलाम थे तो तरह तरह के जुल्म पर हुआ करते थे। इसे रहने दीजिए। अच्छा। मैं जरा अस्पताल में बच्चों को देख के आता। अच्छी बात है। माथुर साहब, जरा बेटी की याद आ गई। सर माफ करना जरा। क्या बहुत दर्द हो रहा है? अरे भाई डॉक्टर सेन, सुना बड़ी गड़बड़ हो गई। अरे माथुर साहब, आप यहाँ? हाँ, सुमिता ने फोन किया था कि कॉलेज में लाठी चार्ज हो गई। हाँ हाँ, ये सब तो उसी का नतीजा है। तुम घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। आज के जवान लड़कों को कोई क्या समझाए, जवानी का खून है न, ये किसी की बात सुनते हैं न ये किसी को कुछ समझते हैं। अरे डॉक्टर, छोटे अगर बड़ों को नहीं समझते तो बड़े कौन छोटों की बात सुनने के लिए तैयार है। 16 नंबर बेड की हालत बहुत खराब है। ब्लड बैंक से अभी तक ब्लड नहीं आया क्या? कमाल करते हो, यहाँ के ब्लड बैंक में खून नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है। उस लड़के को आरएच नेगेटिव ए ग्रुप का ब्लड चाहिए जो इस वक्त यहाँ खत्म हो चुका है। योर लकी डॉक्टर, मेरा आरएच नेगेटिव ए है। आप मेरा खून खून नहीं पानी है क्या? नहीं नहीं, ये बात नहीं है। बात यह है कि उस बच्चे को बचाना। चलो सिस्टर, जल्दी से तैयार करो, आइए। मासूर साहब। बोला डॉक्टर। मैंने इतनी दुनिया देखी है लेकिन आपको देखा तो मैं ताज्जुब में पड़ गया। आहिस्ता आहिस्ता। तो हैवान लगता हूं मैं? नहीं नहीं, ये बात नहीं है। आज की दुनिया में कोई किसी के लिए कुछ करता है? डॉक्टर, आज जैसा मैं दिखाई दे रहा हूं कोई जमाना था वैसा नहीं था। बड़ा जिद्दी था, अपनी बात मनवाना, दूसरों को नीचा दिखाना मेरा शौक था। लेकिन ये तब्दीली आप में आई कैसे? एक लंबी कहानी है डॉक्टर। मेरा एक बेटा था, उसका नाम था आनंद। आनंद देश के क्रांतिकारी दल में शामिल हो गया था, जो मुझे पसंद नहीं था। और एक दिन बाप राज बहादुर और बेटा क्रांतिकारी सड़कों पर नारे लगाए जा रहे हैं, बैठो बैठो। इंकलाब और आजादी की बातें तो भूखे नंगे किया करते, तुम्हें किस बात की कमी है? राय बहादुरी का मेडल गले में लटका कर आप उनका दुख दर्द नहीं देख सकते। नॉनसेंस, आखिरी बार सुन लो आनंद, ये सब बातें इस घर में नहीं चलेगी। अगर तुम्हें पॉलिटिक्स में जाना तो निकल जाना। चाहता हूँ। चाहता हूँ? हाँ।
लेकिन जाने से पहले एक बात जरूर कहूंगा, जिस धरती माँ की गोद में पलकर आप इतने बड़े हुए हैं, कभी ना कभी उस माँ के बारे में जरूर सोचिएगा। क्या क्या कहा तुमने? एक पल के लिए सोचा कि उसे रोक लूं, मैंने महसूस किया उसने जो कुछ कहा ठीक कहा था, लेकिन जब तक मैं अपने आप में वापस आया वो जा चुका था। वो जमाना था अंग्रेजों का, गुलामी का, देश के क्रांतिकारियों के नारों का जवाब अंग्रेज गोली से दिया करते थे। उसके बाद थोड़े दिनों के बाद मुझे खबर मिली कि मरने से पहले आनंद ने एक क्रांतिकारी जो शहीद हो चुका था उसकी लड़की से शादी कर ली थी, और मरने के बाद उसी लड़की से आनंद का एक बेटा पैदा हुआ था। अपनी बहू को घर लाने के लिए जब मैं उसके घर पहुंचा आनंद की पत्नी हूं जी, मैं उसका पिता हूं जी। तेरा भाव मैं तुम्हें लेने आया हूं, मेरे घर चलो। जिस घर में मेरे पति को जगह नहीं मिली उस घर में मैं कभी नहीं जाऊंगी, मुझे क्षमा कीजिए। उस वक्त मैं चला तो आया लेकिन मेरा मन नहीं माना। दूसरे दिन फिर जब मैं उसके घर पहुंचा तो अपने बेटे को साथ लेकर वहां से चली गई, और फिर जैसे वक्त की रेत में सब कुछ धंसता चला गया। फिर मैंने उनकी बहुत तलाश की डॉक्टर, इस तलाश में मुझे और तो कुछ नहीं मिला, आज जिंदगी की थोड़ी बहुत समझ आ गई। पता लगा दूसरों की खुशी में अपने गम को भूल जाना ही जिंदगी है। आज हर अनाथ बच्चे में, हर छोटे बड़े में जैसे मैं अपने आप को बांटता फिरता हूं। सहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। कश्ती कोई डूबती पहुंचा दो किनारे पे, तुमको अपने आप ही किनारा मिल जाएगा। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुम बेसहारा हो तो। हंस कर जिंदा रहना पड़ता है, अपना दुख खुद कहना पड़ता है, रास्ता चाहे कितना लंबा हो दरिया को तो बहना पड़ता है, अकेले तो रुक मत जाओ चलो निकलो, रस्ते में कोई साथी तुम्हारा मिल जाएगा। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुम बेसहारा हो तो।
मन तो एक जैसा होता है, कोई हंसता कोई रोता है, सब्र से जीना आसान होता है, फिक्र से जीना मुश्किल होता है, जीना मुश्किल होता है। ओ, थोड़े फूल है काटे हैं जो तकदीर ने बांटे हैं, हमको इनमें से हिस्सा हमारा मिल जाएगा। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। माँ जी कॉफी पी लीजिए। जी नहीं चाह रहा पूरन, ले जाओ। सुषमा ये देखो, सुषमा अरुण के रिश्ते के लिए लड़की वाले की चिट्ठी फिर से आ गई। पता नहीं मेरी खामोशी को क्या समझते होंगे वो लोग, इतना बड़ा खानदान उनका। सच कह रहा हूँ, इस लड़के ने तो मुझे। देखो जी, जैसे आप जिद्दी है ना वैसे वो भी। एक बार आप कलकत्ता जाकर उसे मिलिए ना, वो जरूर मान जाए। क्या मान जाए, उसे ख्याल है यहाँ तुम्हारा क्या हाल हो सकता? किसी बात का ख्याल है उसे? वो हमें छोड़ सकता मगर श्रीकांत को नहीं। Bloody fool of a poet. लो वो तलब फिर आ गया। आइए 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 श्रीकांत जी, बैठी बैठी बैठी। इस तेज तूफान में आपको तो घर में आराम करना चाहिए था। घर में आराम कर सकूं इसलिए तो आपके पास आया हूं। मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे? जहां तक मेरा ख्याल है आपके हिसाब में तो कुछ नहीं निकलता। हिसाब से तो 2000 के ऊपर मेरे आप पर निकलते हैं, लेकिन इस वक्त मैं हिसाब करना नहीं है। मुझे 500 रुपए दे दीजिए। 500? देखिए मैं बार बार आपकी दुकान के चक्कर नहीं काट सकता, मुझे रुपयों की सख्त जरूरत है। अच्छा अच्छा, दिए देता हूँ 500 रुपए। समझ लूंगा कि किसी यतीम खाने में दान दे दी। दीदी जी, और लेने वाले भिखारी कोई और होंगे, ये मेरी मेहनत की कमाई है। नमस्ते। देखा आपने, आज के जमाने में कुछ लोग दूसरे से भीख भी हक की तरह मांगते हैं। जी नहीं गुप्ता जी, आज के जमाने में कुछ लोग दूसरे का हक भी भीख की तरह देते हैं। मैं पैसे लाया हूँ। आप हमसे कह रहे थे कि घर में जहर खाने को पैसा नहीं है और यहाँ 100-100 के नोट नजर आ रहे हैं। देखिए धर्मदास जी, इस वक्त के पैसे मुझे दे दीजिए, आजकल मैं बड़ी तकलीफ में हूँ। दुकान से राशन लेते हुए तकलीफ नहीं हुई और अब पैसा देने का टाइम आया तो इन्हें तकलीफ मालूम होने लगी। जी आपके तो थोड़े से पैसे होंगे साहब, मेरा तो 40,000 रुपए का मकान इन माँ बेटों ने रोक के रखा हुआ है साहब। बताइए दादाजी। जी प्लीज आहिस्ता बोलिए। आहिस्ता क्यों बोलेंगे साहब, हम लेनदार हैं, देनदार नहीं है। देखो श्रीकांत, भलाई इसी में है कि सीधी तरह से मेरा मकान खाली कर दो, नहीं तो मैं कोर्ट की डिग्री लेकर आऊंगा और तुमको और तुम्हारी माँ को सड़क पर फेंकवा दूंगा, क्या समझे? लाला जी, इससे पहले कि तुम हमें सड़क पर फेंकवाओ, मैं कहता हूँ चल जाओ यहाँ से। जी चल जाओ। ऐसा क्या जाओ? ठीक है जा रहे, जा जी, मैं इनको देख लूंगा। आजा। मैंने तुझे कितनी बार कहा कि सब्र से काम ले, दुनिया में मुसीबत सब पे आती है। पर मां, तू जो मेरी दवाइयों पर इतना खर्च कर रही है, अपने लिए एक प्याला चाय का भी नहीं बना रही, उस पर लोगों के कर्ज है, आखिर ये सब कब तक चलेगा मां? अरे पगले, जब तक चलेगा चला लेंगे, तू तो क्यों फिक्र करता है हा? अरे हाँ, आज अरुण की चिट्ठी आई है। क्या लिखा है? वही जो उसने पिछले खत में लिखा था, रोज लिखना, डॉक्टर के पास जाना, वक्त पे दवाई लेना। मैं अरुण की कोई और बात मानू ना मानू, लेकिन उसका अनुरोध कि मैं लिखूं, मैं जरूर पूरा करूंगा।
ये कविताएं भी उसी के नाम होगी। लेकिन मां, तू अरुण को मेरी बीमारी के बारे में कभी नहीं लिखना। मगर बेटे, मां तुझे मेरी कसम। हा? विजन सिंह, फिर अपने यार की चिट्ठी आई है। अच्छा, क्या लिखा? लिखा है कि बहुत बड़े डॉक्टर के यहाँ चेकअप करवाया, रिपोर्ट एकदम फर्स्ट क्लास, खांसी भी बंद। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। और ये भी लिखा है कि उसकी फिक्र छोड़ के अपनी फिक्र करो, यानी कि फिक्र जरूर करो। ओए ओए, अब फिक्र भी की जरूरत है? वो तो बात ठीक है, जब आपका दोस्त फर्स्ट क्लास, आप डबल फर्स्ट क्लास। अरे महाराज जी, बड़े खुश दिख रहे हो आज। मारे को बहुत खुशी है। कोई खास बात है क्या? हाँ, राज की बात है, फुर्सत में बताऊंगा हमारी खुशी का राज क्या है। पहले अंदर जाकर बीबी जी के दिल में हाजिरी तो लगवा लाऊं। महाराज जी, क्या है? आप अंदर जा रहे हैं ना, ये चिट्ठी लेते जाइए। पाखंडी, मारे को भेजे वो नहीं जाए। आर के चौधरी, डैडी की चिट्ठी। रमेश चंद्र जी नमस्कार, आपका पत्र मिला। मेरे बेटा किसी काम से सिलसिले में बाहर गया, आते ही शादी की तारीख पक्की। ओ गॉड, तो मां सीता के साथ मेरा सीता। जी बीबी जी, जल्दी अनुप्रिया चलो वहां से रिकॉर्ड लेने चले। अरे देख क्या रहे हो, चलो ना। क्या हुआ तुम्हें? बीबी जी, मारे मन में एक बात आई है। क्या बात है? आपकी बहुत जल्दी शादी होने वाली है। हो? चलो चलो। थैंक यू। चल चल। संजय बाबू का रिकॉर्ड है बीबी जी, तो बड़ा अच्छा होगा ये। संभाल कर रखना, मैं भी ऐसे ही। अरे ये क्या कर तुमने? कुछ नहीं बीबी जी, कुछ नहीं किया। ब्लडी इडियट, तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ दिया। नहीं बीबी जी, मैं तो संभाल के रख रहा था, ये सोना आईना बीच में आ गया। मैं कहती गुस्सा थूक दो बीबी जी, सामने दुकान है, मैं भाग कर जाता हूँ, कार ले आता हूँ। इडियट, आप ही रिकॉर्ड दूसरा कहाँ से लाएगा? हमारी गलती होगी, मैंने माफ कर दो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँ। आज से तुम्हारी नौकरी से छुट्टी। नहीं 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 बीबी जी, हमारे नौकरी से छुट्टी मत करो प्लीज। अरे तेरी चाय अभी तक खत्म नहीं हुई? ओ यार, अभी संजय बाबू के रिकॉर्डिंग में पूरा आधा घंटा बाकी है, और यहाँ से रेडियो स्टेशन पहुँचने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। सिर्फ 10 मिनट लगते हैं? अगर रिकॉर्डिंग पहले शुरू हो गई तो? तू पागल है क्या? रिकॉर्डिंग कभी वक्त से पहले शुरू हो सकती है? चल ना। ओके चल। तुम यहाँ फिर आ गए, बड़े बदतमीज हो। अरे बीबी जी, आप तो खाना खा मारे पे नाराज हो रहे हैं। अरे देखो मैं आप लोगों के लिए क्या ला, संजय बाबू का रिकॉर्ड है। अरे इस दूसरे रिकॉर्ड के लिए तो पूरा कलकत्ता छाड़ मारा। वो क्या कहते हैं, वो गाने भरने वाली कंपनी का बड़ा दफ्तर है, वहाँ से लाया। अजी ये तो मैंने पूछो कि वहाँ पर मैंने कौन मिला? संजय बाबू। अजी मैंने तो साफ साफ बोल दिया, संजय बाबू को एक लड़की बड़ी दीवानी है। अरे क्या कहने लगे, बड़े खुशी हुए और पूछा नाम क्या है। और तुमने सुमी का नाम बता दिया? हाँ जी। और उसके बाद एक रिकॉर्ड लिया, मेरे हाथ में धर दिया और साथ में फोटोग्राफ भी कर। फोटोग्राफ? ये देखो तो सही, उन्होंने क्या लिखा है, अपनी सुमिता के लिए प्यार के साथ संजय। प्रीतम, प्रीतम कैसे लगते हैं वो? बिल्कुल मारे जैसे। क्या मतलब? अरे क्या भग क्या रहे हो? बीबी जी मेरा मतलब है कि अगर आप उनको देख लेना तो ऐसा लगेगा जैसे कि मैं हूँ। सिर्फ वर्दी का फर्क है। बहुत खुश है, तुम्हें हमारे साथ दार्जिलिंग ले चलेंगे। हमारे कॉलेज की छुट्टियां है ना, हम लोग ले चलेंगे। अच्छा भी? अरे बड़ा बड़ा बहुत खुश हूँ मैं तो। अरे गंगा कसम, मैं तो गंगा नहा लिया, मैंने तो बड़ी खुशी हुई है। अगर वो बेचारे तुम्हारी तस्वीर ले भी लेते तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? छोड़िए ना सर। सर छोड़ो, ये देखो तुम्हारे कितने सारे फैन मेल्स,
सबकी एक ही ख्वाहिश है कि तुम सबके सामने पब्लिक के सामने आके गाना गाओ। नहीं सर, मैं पब्लिक के सामने कभी गाना नहीं गाऊं। क्यों सर? आप तो जानते हैं कि अगर मैंने पब्लिक के सामने गाना गाया तो लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि आर के चौधरी का बेटा मैं, और मैं नहीं चाहूंगा कि डैडी को कोई गलतफहमी हो कि जिंदगी में ऊपर आने के लिए मैंने उनके नाम का इस्तेमाल किया। जैसी तुम्हारी मर्जी। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। क्या? 15 दिन के लिए मेरा कोई प्रोग्राम मत रखिएगा। व्हाई? मैं दार्जिलिंग जा रहा हूँ। दार्जिलिंग क्यों? सर आपस की बात है, मुझे एक लड़की से। यू मीन L-O-V-E? You're right, sir. Excuse me? Yes, madam. हम संजय बाबू से मिलना चाहते हैं, आप बता सकते हैं वो कहाँ है? जी हाँ, वो सामने सक्सेना साहब के रूम में। आप यहाँ अपना नाम लिख दीजिए। प्रीतम, देखना। सर, सर, क्या हुआ? बाहर तो लड़की आ रही है, मेरे बारे में पूछेंगे तो आप बोलिएगा कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ। साहब, आपसे दो लड़कियाँ मिलना चाहती हैं। भेजो अंदर। अच्छा जी, अच्छा जाइए। नमस्ते। नमस्ते, आइए आइए, बैठिए। हाँ कहिए। माफ कीजिए, हमने अभी अभी एक आदमी को आपके कमरे में आते हुए देखा है। मेरे कमरे में आते हुए देखा? जी हाँ, उसका नाम प्रीतम है। प्रीतम? किसका प्रीतम? इसका प्रीतम, सॉरी आई मीन इसका ड्राइवर। ड्राइवर? नहीं नहीं नहीं, यहाँ ड्राइवर कोई नहीं आया। हाँ संजय जरूर आया। संजय बाबू आए हैं, दरअसल उन्हीं से मिलने आए थे। कहाँ है वो? संजय बाबू यहाँ है भी और नहीं भी है। हैं भी और नहीं भी है, क्या मतलब? मेरा मतलब है यहाँ आए थे मगर चले गए। चले गए? फिर कब मिलेंगे? उनसे मिलना है तो 15 दिन बाद आइए, क्योंकि वो कल दार्जिलिंग जा रहे हैं। क्या? दार्जिलिंग जा रहे हैं? दार्जिलिंग तो कल हम भी जा रहे हैं। आप भी जा रहे हैं? जी हाँ। तो फिर उन्हें उन्हें वहीं मिलेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्ते। निकलो। थैंक यू सर। थैंक यू। अच्छा सर मैं चलता हूँ, दार्जिलिंग आने के बाद मिलूंगा। लेकिन सुनो, ये चक्कर क्या है? चक्कर सर वो मुझे चाहती। दोनों? जी नहीं, लंबी वाली। वो तुम्हें चाहती है, तुम ही उसे चाहते हो? जी हाँ। वो तुम्हें चाहती है, तुम उसे चाहते हो, तो फिर ये छुपना क्यों? सर क्या है, जिसे वो चाहती है वो मैं नहीं हूँ, जो मैं हूँ उसे वो चाहती है। वो जिसे चाहती है तुम नहीं हो? वो मैं हूँ। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? सर प्रॉब्लम ये है कि जिसे वो चाहती है वो मैं हूँ, और जो मैं हूँ उसे वो चाहती नहीं। जिसे वो चाहती है तुम नहीं हो, वो जिसे चाहती है तुम हो। ओफो, यू ऑलवेज कंफ्यूज मी। थैंक यू सर, बाय बाय। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग प्रीतम। जी बीवी जी। तुम जल्दी से जाकर पता करो कि संजय बाबू किस होटल में ठहरे हैं। जी मारे को जाकर सब होटलों में चक्कर लगाना पड़ेगा। हाँ पड़ेगा, चलो जाओ। अच्छा बीवी जी। क्या है? ये आपके पाउडर का डिब्बा। की बिठिया। हाँ यहाँ रख दो। कमाल है यार, अब बेचारा सारा दिन घूमता रहेगा। अरे तो क्या हुआ, चल हम लोग तैयार होकर घूमने चलते हैं। बहादुर मैम सब सामान कमरे में ले जाओ। भीषण सिंह बूट पॉलिश करा रिया। ओए होए ब्रदर, आज तुमने हमको दार्जिलिंग की सैर करा दी। वाह गुरु तेरी सारी मुरादें पूरी करे भाई, मजा आ गया। मजा आ गया ना, अब मैं भी तेरे साथ मजा करूंगा। शाम तक अपनी भी छुट्टी है। छुट्टी? वो कैसे भाई? सुमिता देवी ने कहा कि सब होटलों में जाकर ढूंढो कि संजय बाबू कहाँ ठहरे, और मैं संजय बाबू को ढूंढने निकला हूँ। मतलब ये कि तू अपने आप को ढूंढने निकला।
और शाम को जाकर कह दूंगा कि लगता संजय बाबू किसी होटल वोटल में नहीं रहते, किसी पेड़ वेड़ पर रहते ओ पलट ओए, एक ही के पीछे लगा हुआ है। एक बात सुन ब्रदर, तू उसको बता क्यों नहीं देता कि तू ही संजय है? कई बार सोचता हूँ कि उसे बता दूं, लेकिन डर लगता है कहीं वो गलत ना समझे। भाई एक ना एक दिन तो मालूम हो ही जाएगा। फिर प्रीतम, हमें किसने पुकारा? मर गए। अच्छा जी बीबी जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमने तुमसे कहा था कि संजय बाबू। अरे वही तो कर रहा हूँ। यही बीबी जी? हाँ होए। हाँ बीबी जी, संजय बाबू तो नहीं मिले, उनके सेक्रेटरी मिल गए। कौन है सेक्रेटरी? हाँ बीबी जी, ये सरदार भीषण सिंह है। ये संजय बाबू के सेक्रेटरी है? तुम वही डर, मैं भी आती हूँ। ओ भाई ये क्या मजाक है? क्या चुप रहना, थोड़ी देर के लिए सिचुएशन संभाल ले। लेकिन भाई बीबी जी, मिलो मिलो, आज मिलो जी मिलो। संजय बाबू की सेक्रेटरी है ना? जी हाँ। इस वक्त संजय बाबू कहाँ है? वो यही है। नहीं नहीं नहीं, इनका मतलब है कि संजय बाबू दार्जिलिंग में ही है, और इनके पूछने का मतलब ये था कि ये संजय बाबू से कहाँ मिल सकते हैं। वो मुझे नहीं मालूम। लेकिन आपको तो सब कुछ मालूम है, बताइए ना। हाँ बताइए ना। देखो जी, संजय बाबू से मिलना बहुत मुश्किल, लेकिन हमारा उनसे मिलना जरूरी है। हाँ इनका मिलना बहुत जरूरी है। प्लीज। ओ जी, मिलना तो सबका जरूरी होता है। प्लीज सरदार जी। हाँ प्लीज सरदार जी। प्लीज क्या? देखो जी, अगर आपको मिलना है तो मैं बताता हूँ, शाम को कुर्सवांग में उनका प्रोग्राम है, आप वहाँ आ जाना, मिला दूंगा। सरदार जी, आपको पक्का मालूम है? और जी मुझको नहीं मालूम होगा तो किसको मालूम होगा, मैं ही तो प्रोग्राम सेट करता हूँ। अरे नहीं नहीं बीबी जी, वो कुर्सवांग वो जो जगह है ना बहुत दूर है, वहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल है, रास्ता खराब है। क्या हुआ? क्या हुआ? मेरा दर्द, पेट में दर्द। फिर ये कैसे जाएंगे? हम जाएंगे। हाँ। लेकिन गाड़ी कौन चलाएगा? हम टैक्सी लेंगे। हाँ सरदार जी, आप होटल आ जाएगा प्लीज। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। विशन सिंह के बच्चे, अब क्या होगा? फंसा दिया ना? ओए जी, इशक में तो ऐसे ही फंसते हैं। चल सोचते हैं कुछ। चलो जी। श्री अकाल सुनीता जी। आ गए सरदार जी। क्या करता, आपके प्रीतम ने मजबूर कर दिया। वो बहुत चाहता है आपको। हाँ, पर प्रीतम है कहाँ? और जी उसके पेट में, सिर में, दोनों में दर्द हो गया। वो गया हकीम के पास दवा लेने। आइए आइए। अच्छा बीबी जी, एक गल है। ये जो अपना ड्राइवर है थोड़ा पागल है। हाँ? वो क्या करता जी, आज छुट्टी है, सारे ड्राइवर गांजा पी के सोए हुए हैं, कोई कुर्सियांग जाने को तैयार ही नहीं। बस यही एक पागल मिला, मैं इसको उठा के ले आया। सुमी थैंक यू, मैं नहीं आती। ओ जी घबराने की गल नहीं, बिशन सिंह साहब। हाँ, नहीं, 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 आओ जी आओ जी, आओ आओ आओ। अच्छा बच्चे, अच्छा अच्छा बच्चे। वाहेगुरु, सलाम शाह। सलाम 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 सलाम। आके तो चलेंगे शाह। काशियांग काशियांग कुशांग शांग 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 शांग। अभी हम चलेंगे शाह। चलो चल भाई चल। हम चलेगा। शाहजी साहब, आप कुशांग क्यों जाते हैं? गाने का प्रोग्राम है, वो सुनने जाता है। इतनी दूर गाना सुनने को जाता है, हम आपको गाना इधर सुनाता है। हम गाना सुनाऊं? किसके मुंह लगी है? तुम सुनाओ सुनाओ सुनाओ। हाँ सुनो। मेरे सपनों की रानी कब आएगी शु, इति जाए जिंदगानी कब आएगी शु। शु शिदाजी। हाँ जी। कैसे लगा? वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। आगे सुनाऊं? देखो ब्रदर, अभी हमने तुम्हारा गाना सुन लिया, अब तुम सीधे गाड़ी चलाते रहो बस। मेम साहब लोग, क्या है आप लोग चुप क्यों है? चुप का है, बोलते रहे हैं। शिदा जी। हाँ जी। आप सुना? हाँ भाई मैं तो सुना। हम क्यों नहीं सुना? वो तुम्हारे कान बालों से ढके हुए हैं ना, इसलिए तुमने नहीं सुना। अच्छा हम बाल ऊपर कर लूं? कर ले। ओए ओ नहीं, ओए क्या बोला तुम? शाला हमको पागल बोला? शाला हमारा गाड़ी से उतर जाओ। नहीं शाला, एक तो हमको पागल बोला। ये शाला निकलता नहीं, हम तुमको पुलिस स्टेशन लेकर जा रहे। नहीं भाई, पुलिस स्टेशन ले जाएगा तो लफड़ा और बढ़ जाएगा। मैं तो कहता हूँ ब्रदर गुस्से को पी जाओ। अच्छा तुम बोलते हम गुस्से को पी जाएगा, लेकिन हम गुस्से नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा?
एक तो शाला हमको पागल बोलता ऊपर से बोल रहा है। ओ नहीं तुम गाड़ी को चलाओ ना, गाड़ी हो गई क्या होगा पता नहीं। भैया तुम होटल ले चलो, झगड़ा मत करो। ओ चल भाई होटल चलो। हां लेकिन सदाजी सुनो, हम खुशियान से होटल का पूरा भाला लेगा। भाला? ओ तू भाला ले, तीर कमाल ले। हम पूरा भाला लेगा। अरे भाला देगा ना भाला। ओ रुपया? अच्छा बाबा देगा, तुम होटल तो चले। चलो बैठो। चलो हमको पागल बोलता है, पागल बोलता है हमको शाला। हम बता दा पागल कौन है शाला, पागल तुम्हारा घर वाला लोग शाला पागल। चल भाई चल चल। हेलो कौन? जी हाँ एक मिनट एक मिनट, होल्ड ऑन प्लीज। सुमी लाइन बन गई, संजय बाबू के टेलीफोन, जल्दी आ। क्या संजय बाबू? हेलो संजय बाबू, मैं सुमिता बोल रही हूँ। मेरे सेक्रेटरी ने बताया कि आप मुझसे मिलना चाहती हैं। जी हाँ प्लीज संजय बाबू बताइए ना, मैं आपसे कहाँ मिल सकती हूँ? आप नहीं जानती मैं आपको कितना चाहती हूँ। आप भी नहीं जानती मैं आपको कितना चाहता हूँ। क्या क्या कहा आपने? हाँ सुमिता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आपने मुझे देखा है? हाँ मैंने तुम्हें देखा है। लेकिन मैंने तो आपको कभी नहीं देखा। दरअसल तुम्हारे और मेरे दरमियान एक शीशे की दीवार है। इस दीवार के इस तरफ मैं हूँ और उस दीवार के दूसरी तरफ तुम हो। फर्क सिर्फ इतना है, इस तरफ से मैं तो तुम्हें देख सकता हूँ लेकिन उस तरफ से तुम मुझे नहीं देख सकती। मैं समझी नहीं। तुम समझना चाहती हो तो होटल के सामने वाली टी स्टेट में कल आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हाँ आऊंगी, आप मुझसे मिलेंगे ना? हाँ जरूर मिलूंगा। रस्ते पे मैं आंखें बिछाए बैठा हूँ, तेरे इंतजार की मैं दुनिया सजाए बैठा हूँ। तेरे रस्ते पे मैं आंखें बिछाए बैठा हूँ, तेरे इंतजार की मैं दुनिया सजाए बैठा हूँ। देखे तेरी नजरों को भाए ना भाए ये नजारा, मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा पुकारा। मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा पुकारा।
धड़क रहा है दिल, दिल को मैं कैसे समझाऊं, तुझसे मिलूं या मिले बिन यहां से चला जाऊं। धड़क रहा है दिल, दिल को मैं कैसे समझाऊं, तुझसे मिलूं या मिले बिन यहां से चला जाऊं। ऐसा ना हो तू ये दिल तोड़े, जमाना हंसे सारा, मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा पुकारा, मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा पुकारा। अरे ब्रदर तू आ जा भाई, सुमिता से बात की क्यों? एक बात तो जज्बात में आकर मैंने फैसला कर लिया कि मैं उसे सब कुछ बता देता हूं। फिर मुझे वो डैडी को दिया हुआ वचन याद आ गया और मैंने सोचा अगर मैं उसे बता देता हूं कि मैं ही संजय हूं तो उसे यह भी बताना पड़ेगा कि मेरा असली नाम अरुण है और मैं श्री आर के चौधरी का बेटा हूं। ओहो, तो इसमें क्या हुआ? नहीं बिशन सिंह, तू नहीं समझता। जितनी नजदीकी से मैंने सुमिता को देखा है वो मेरी इस प्रॉब्लम को कभी नहीं समझ पाएगी। और फिर मेरी जिंदगी की मंजिल सुमिता नहीं, मेरा संगीत है, मेरे दोस्त की जिंदगी है। कई दिनों से उसकी चिट्ठी नहीं आई, ना जाने किस हाल में होगा वो। ये बेटा दवाई पी ले। माँ नहीं, ये जहर जैसी दवाई मुझसे। अरे बेटे दवाई नहीं पिएगा तो ठीक कैसे होगा, ले पी ले। माँ जानती हो आज उस लाश को जब मैंने जाते हुए देखा तो मुझे लगा कि बहुत जल्द मैं भी इस दुनिया से फिर अपने पांव पे चलता हुआ चला जाऊंगा। नहीं बेटे, ऐसे बुरी बुरी बात नहीं करते। बेटा अगर माँ के सामने ऐसी बुरी बुरी बात करेगा तो सोच माँ का क्या हाल होगा। इसमें बुरी बात क्या है माँ, आदमी इस दुनिया में तो जाने के लिए आता है ना। ब्याह हुआ तो पति चल बसे, बेटा बड़ा हुआ तो वो भी अब जाने की बात करता है। पता नहीं मुझे मौत कब आएगी। माँ नहीं, आज बेटे दवाई पी ले। ब्लड प्रेशर तो बिल्कुल नॉर्मल। सब कुछ नॉर्मल है तो ये क्यों नॉर्मल नहीं? चौधरी साहब दरअसल बात यह है, इनकी बीमारी का इलाज डॉक्टर नहीं अरुण है। बुरा मत मानिए, डॉक्टर दवा दे सकता है लेकिन दवा में घोलकर माँ को उसको बेटा नहीं दे सकता। आप कैसे भी करके अरुण का घर वापस ले आइए, सब ठीक हो जाए। अरे प्रीतम की तस्वीर चौधरी साहब की चिट्ठी में। आदरणीय रमेश चंद्र जी नमस्कार। इससे पहले भी मैंने एक पत्र आपको लिखा था किंतु आपके उसे कोई उत्तर नहीं आया। ये पत्र मैं आपको बिल्कुल अपना समझकर लिख रहा हूं, इसलिए चाहूंगा इसमें लिखा हुआ हर शब्द आप तक ही रहे। मेरा बेटा अरुण हमसे झगड़ा करके घर छोड़ गया। मुझे पता चला है कि वो संजय के नाम से कलकत्ता रेडियो पे गाता है। उसे पहचानने में आसानी हो इसलिए उसकी तस्वीर आप उसकी तस्वीर भेज रहा हूं। हाँ
आपको कष्ट होगा लेकिन एक बार मेरे बेटे का पता करके मुझे लिखिए, बड़ी कृपा होगी पत्र का उत्तर की। अरे कोई है? क्या है नाना जी? तुझे नहीं बेटा, जरा भोलू को भेज दे। भोलू, नाना जी बुला रहे हैं। तो तुम मुझे बेवकूफ बनाते रहे। किसकी चिट्ठी है नाना जी? किसी का नहीं बेटा, वैसे एक दोस्त किया। जरा अब भोलू को तो भेज दे, वो आ रहा है ना। जी महाराज। प्रीतम कहाँ है? प्रीतम महाराज चला गया। चला गया? तू चुप रहा है क्यों? उसकी बीवी मर गई है महाराज। बीवी मर? बीवी, उसकी बीवी मर गई। भाई वाह, कमाल कर दिया। नौकरी करने के लिए बीवी ने पैदा कर दिया और नौकरी छोड़ने के लिए बीवी को मार दिया। जब नौकरी करने का मकसद ही नहीं है तो नौकरी करने का फायदा क्या? सुमिता तो मुझे कभी समझने वाली नहीं है। ओहो पापा जी, तुसी फिकर मत करो, मैं समझा दूंगी सुमिता। नहीं भाभी, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते 10 प्रॉब्लम और खड़े हो जाएंगे। बात में दम नहीं है बिल्कुल। महाराज जी, साहब आए। आने दो। साहब आए? हाँ, बाहर गाड़ी में बैठे हैं, अभी बुला के लाता हूं। अरे भोलू सुन, मर गया। अब क्या होगा? अब क्या होगा? चंगा ही होगा। चंगा क्या होगा? भाभी तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। हाँ, मेरी हाँ में हाँ मिलाते रहना बस। नहीं, मैं नहीं करूंगी। मैं तो साफ साफ कह दूंगी उनसे। हाँ, आइए आइए साहब, यही यही मकान है। पापा जी तुसी ना रो, पापा जी बस हो जाओ बस। ओ बाबा जी, तू ऐसा ना रो, ऐसा होता ही रहना। नमस्ते साई बाप। नमस्ते नमस्ते जी। प्रीतम, मुझे बड़ा अफसोस ये सुनकर कि तुम्हारी बीवी ऊपर चली गई। ऊपर क्या बताऊं साहिब, मारे साथ कितना बड़ा अनर्थ होया। मैं समझता हूँ समझता हूँ। प्रोफीम जी भाई, मुंह का देख रहा और कुर्सी लाओ। चाटी कर लाया पापा जी। इसका डर तो नकमर है ना। मन दसो कुर्सी किसके वास्ते मंगवाई है? कौन दे वास्ते? उल्लू दे मटे उल्लू ना अंदर चाटी। आइए बैठ। मैं बैठ रहा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ। तुम बैठो, प्रीतम बैठो। अरे ऊपर बैठो। नहीं, मैं आपके चरणों में ही बैठूंगा। अच्छी बात। अब तो तुम्हारे दोनों बच्चे अकेले पड़ गए होंगे। नहीं, वो अपने मामा के आए। मामा के घर तक पहुंच गए? हाँ। मैं किधर जाऊं? ये तो मुझे अब पता चला है कि बीवी आदमी के लिए कितनी बीमारी होती है। वो तो है ही, बीवी तो बीमारी होती है। बीमारी होती थी? बीवी कितनी अच्छी होती है। हाँ अच्छी होती, बीवी तो अच्छी होती। अब ये बात मुझे बीवी के मरने के बाद मालूम। ये बात तुम्हें बीवी मरने के बाद ही मालूम। ये क्यों रो रहा है? अफीम जी, और तू क्यों रो रहा है? बीवी मर गई। इसकी बीवी भी मर गई? नहीं नहीं, उल्लू दे पट्टे, और तेरी बीवी थोड़ी मरी है। उठ उठ। नहीं समझा, मेरी बीवी मर गई है। पंखे ले जी, पंखे ले। प्रीतम, तुम मर्द हो, तुम रोते क्यों हो? एक का एक के बाद तुम 10 शादी कर सकते हो। नहीं साहिब, इब मारे को शादी नहीं करनी। शादी तो तुम्हें करनी है। तेरा मतलब कि तुम्हारी उम्र ही क्या हुई है? प्रीतम नाथ गोयल घायल। ओ हाँ, घायल घायल, मुझे एक पुराना गाना याद आ गया। अरे घायल की गत घायल जाने और न जाने को। अच्छा अच्छा, बुरा कुछ भी है, दूसरी शादी तुम्हें करनी है? नहीं साहब, दूसरी शादी नहीं। हाँ, हमारे पड़ोस में एक माली है, उसकी एक साली है। माली और उसकी साली? उस विधवा है, उसके दो बच्चे भी हैं। विधवा है और दो बच्चे? हमारे 4 बच्चे हो जाएंगे। अरे बच्चों वाली बीवी तो भगवानों को मिलती है। अब क्या मुझे बच्चों वाली बीवी से शादी करनी पड़ा? हर्ज है। ए बिशन सिंह, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? ब्रदर,
तेरी भलाई इसी में है, तू चुप हो जा। बिल्कुल, तेरी भलाई इसी में है कि तू चुप हो जा। मैं समझता हूँ बीवी के ऊपर चले जाने का गम क्या होता है, इसलिए मैं तुम्हें नीचे अकेला नहीं रहने दूंगा। नहीं, मैं नीचे ही ठीक हूँ। नहीं नहीं, उठो उठो। नहीं, अरे उठ पड़ा। भीषण सिंह, भीषण सिंह, पीछे मत देखो, आगे देखो। भीषण सिंह, ओए होए होए होए, देखा मंजीत, दूसरों को बेवकूफ बनाने वाले कभी कभी अपने चक्कर में ऐसे फंस जाते हैं कि निकलने को रास्ता नहीं मिलता। बिल्कुल जी। ओए, मैं बोला था मत चला चक्कर, मत चला चक्कर, सुनता ही नहीं। लेकिन साहब, हमारे को अंदर कहाँ ले जा रहे हो? अभी मालूम हो जाएगा। बेटा सुने, इसे ले आया। प्रीतम, तुम्हारी बीवी का सुनकर हमें बहुत अफसोस हुआ। बहुत अफसोस हुआ। इसमें अफसोस की क्या बात है, हमारे दूसरी शादी कर देंगे। नहीं साहब, हमारे कुछ शादी नहीं कर। अरे चुप रहो ना, वो जो अपना राम खिलौना है ना, पड़ोस का माली, उसकी साली के साथ शादी कर देंगे। जिसके दो बच्चे, एक 8 साल एक 10 साल का। बीबी जी, हमारे को बचा लो, शादी नहीं। प्रीतम नाथ घायल, इस तरह निराश नहीं होता मेरे लिए। लेकिन मेरी बात, तुम इस कमरे के अंदर जाओ। अरे बोलो, इस कमरे के लिए एक ताला ले। ताला? अरे तुम इधर अंदर चलो, चलो मैं देखती हूँ। लेकिन लेकिन देखो, इस कमरे में तुम बंद रहोगे। क्यों माखो, चोर हूँ? चोर तो नहीं हो, लेकिन जब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी हम तुम्हें खुला नहीं छोड़ेंगे। लो बोलो, अजीब जबरदस्ती है ये। हाँ जबरदस्ती है महाराज जी। ताला, चलो ताला लगा दो। साहिब, मारे को ताला मत मारो, मैं तो कहीं नहीं जाने वाला। वादा? पक्का। बैठ जाओ। हाँ बैठ गए। देखो, अगर तुम यहाँ से भागे तो कहीं से भी मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, समझे? समझ गया। बोलो राम, इसका ख्याल रखना, मुझे ट्रंक कॉल करना। ये क्या कर रहा? साहब ने कहा ख्याल रखने के लिए। पाखंडी। ट्रंक्स, दिस इज 462227, आई वांट लखनऊ, 4590, पीपी आर के चौधरी। यस नो लाइटनिंग, थैंक यू। हाँ जी, अब बाहर जाने का कोई रास्ता है? हाँ है। कहाँ है वो? हाँ ठीक है। अबे पाखंडी, ये नहीं, दूसरा कोई है? तो मैं देख रहा हूँ। अरे महाराज जी, अरे महाराज जी कहाँ जा रहे हैं? अरे महाराज जी चले, महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी भाग गए। कौन महाराज जी भाग गए? प्रीतम जी। कोई बात नहीं, भागने दो, तुम भागो यहाँ से। जी कहाँ जाएगा भाग के? अरे ब्रदर, अच्छा वो तू आ गया, मैं तेरे को लेने जा रहा था। सुन, सुमिता की नाना जी मेरे बारे में कुछ पूछेंगे, बोला मैं यहाँ नहीं रहा। सी, अरे जी, तुम कब आए? आज दोपहर की गाड़ी से। और श्रीकांत भी आया है। श्रीकांत? हाँ, कहाँ है? अंदर कमरे में। ये कविराज, ये कविराज, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो अपनी ये सूरत क्या बना रखी? बैक बैक, वो उस सफर से आया हो ना? सफर से आया। हाँ, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। सुना, तेरा हाल चाल क्या है? मेरा हाल चाल तो ठीक है, लेकिन हाँ अरुण, अरुण ये देख, ये देख पहले मैंने क्या लिखा है। अनुरोध, मेरे अपने अरुण के नाम जो इन गीतों की आत्मा है, श्री मेरे लिए? हाँ, तेरे अनुरोध पे मैंने ये कविता लिखी है, इसलिए ये अनुरोध तेरा है, मेरा नहीं। ए, ए, भीषण सिंह, देख, इसे कहते हैं दोस्त। इधर आ, ये देख, अनुरोध मेरे नाम, हिंदी में पढ़ सकता है? हेलो पापा जी, इसी खुशी में चाय पी लो। अरे बाजा, मुझे बहुत याद आया यार, आज बैठ के बहुत बातें करनी है तेरे साथ। ब्रदर, श्रीकांत को आराम करने दो, तेरे नाल गल करनी है तेरे बाहर। अरुण, अरुण, नहीं नहीं, तू बैठ, तू मिल गया, अब आराम की क्या जरूरत है? हाँ बैठ जाता। एक मिनट बस। अच्छा, नहीं तू तू आराम करना, एक मिनट बात। अरुण, बात ये कि श्रीकांत, श्रीकांत मौसी, उसके सामने मैं कुछ पूछा नहीं, लेकिन क्या हुआ श्रीकांत? दरअसल श्री अपनी बीमारी हमसे छुपाता रहा, अब जाकर पता चला कि उसे टीबी हो गई। टीबी? और वो भी काफी दूर तक चल पकड़ चुकी है। लेकिन लेकिन वो तो, इसका मतलब मुझे झूठ लिखता रहा। हाँ
वो तो यहाँ भी आने को तैयार नहीं था। बड़ी मुश्किल से ले आई हूँ। ब्रदर, लखनऊ के डॉक्टर का कहना है श्रीकांत का एक फेफड़ा बिल्कुल बेकार हो चुका है। बिल्कुल बेकार हो चुका है? हाँ, ऑपरेशन के अलावा और कोई इलाज नहीं। बैठ। तुझे पता चल गया तूने मुझे झूठ क्यों लिखा। वो मुझे मालूम था कि जब तुझे पता चलेगा ना तो बहुत नाराज होगा। अरे पगले, अगर मेरी जगह तू भी होता ना तो शायद यही करता। बैठना। अरे बैठना, इतनी सी बात के लिए नाराज नहीं होते। मैं क्यों नाराज होने लगा? मैं होता कौन हूं तुम्हारा? तुम मेरे लिए वही हो जो मैं तुम्हारा हूं। तुम किसी के क्या बनोगे? तुम तो अपने आप के भी नहीं हो। देखो अपनी तरफ। अरे कम्बा, किसी का बनने के लिए अपने दुख सुख एक दूसरे के साथ बांटने पड़ते हैं, लेकिन तुम अपने दुख सुख का पूरा खजाना अपने साथ ले जाना। मैं तुमसे पूछता हूं, तुम अपने आप को समझते क्या? मुझे लिखते हो, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं। अगर बीमारी नहीं है तो ये क्या है? श्रीकांत, तुम समझते हो तुम्हारे चले जाने से दुनिया में कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दुनिया दो दिन में तुझे भूल जाएगी। अरे मैं कहता हूं कल का मरता आज मर, आज मर। देखो मेरे जैसे के नसीब में तो पल पल मरना लिखा हुआ। मौत में एक साथ नहीं आती, और फिर मरते मरते मैं इतना मर चुका हूं, मुझे तो अपने जीने पर ही शक होने लगा। मुझे माफ कर दे दो। तूने ऐसा क्यों किया? तूने मुझे इतना पराया समझा। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं बिल्कुल ठीक हो जाओगे। कम डॉक्टर लुईस। आप लोग जरा ठहरिए, मैं अभी बुलाता हूं। ओके डॉक्टर लुईस, आई विल सी यू टुमारो। श्योर। बाय बाय। आप लोग आइए फिर से। बैठिए। यू आर वेरी लकी, डॉक्टर लुईस वन ऑफ द टॉप सर्जन ऑफ द वर्ल्ड 10 दिन के लिए स्विट्जरलैंड से हिंदुस्तान आए हैं और ऑपरेशन करने के लिए हां कर गए हैं। डॉक्टर साहब, यस, एक बात पूछूं, इस ऑपरेशन के लिए कितना कुछ रुपया लग जाएगा? मेरा ख्याल है दवाइयां और दूसरे एक्सपेंसेस लेकर 20-25 हजार तो लग ही जाएगा। मैं जानता हूं 20-25 हजार काफी बड़ी रकम होती है, लेकिन मिस्टर अरुण, आपके दोस्त की जिंदगी के लिए यह गोल्डन चांस है, मौके का फायदा उठाना चाहिए। यू मस्ट अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। यस सर, डॉक्टर, आई मस्ट अवेल दिस अपॉर्चुनिटी, मौके का फायदा। मैं बहुत जल्द आकर आपसे मिलता हूं। चल अब तो आराम से सो जा। मैं
दुखी कर रहा हूं मैं। हे पगले, मेरी डॉक्टर से पूरी बात हुई, जानता डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर कहता है तो बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा। रुकी हुई गाड़ी मेरे को बहुत बुरी लगती है, लगता है जैसे किसी के दिल की धड़कन बंद हो गई हो। जल्दी चाबी दे, चाबी दे, जल्दी दे, देख देख घड़ी बंद हो गई, देख। ओ नहीं, घड़ी तो चल रही है। समझा इसकी धड़कन बंद हो गई। नहीं ब्रदर नहीं, तुझे फिक्र ना करो, घबराओ मत, मैं अपनी गैराज बेच दूंगा, घर का सारा सामान बेच दूंगा, श्रीकांत का ऑपरेशन होएगा, जरूर होएगा, जरूर होएगा। पापा जी, ये मेरी चूड़ियां ले लो, इससे जो भी कुछ भाभी, नहीं नहीं नहीं, माँ और बहनों के हाथ बड़े अच्छे लगते हैं, तो ये पैसों की बात कल से भी इंतजाम हो जाएगा, हो जाएगा। दिनानाथ, तू तो सब कुछ जानता है, माँ के लिए बेटा क्या होता है। मेरे बेटे की जगह मुझे उठा ले प्रभु, मुझे बाकर के जीवन में अब श्री के सिवा कुछ नहीं। उसको मुझसे मत छीनना प्रभु, उसको मुझसे मत छीनना प्रभु, मत छीनना, वही मेरा सब कुछ है, वही मेरा सब कुछ है प्रभु, मत छीनना। आखिर वही हुआ जिससे तू भाग रहा था, अपने साथ साथ तूने सबको मौत की फट्टी में झोंक दिया ना। श्रीकांत, श्री तेरे कमरे में तो नहीं? ओ नहीं तो क्या, बाहर गैराज में देख के आता हूं। मौसी, क्या है बेटे? मौसी, श्रीकांत कहाँ है? अपने रूम में नहीं है? रूम में नहीं है। ओ ब्रदर, वो तो गैराज में भी नहीं है भाई। तो फिर कहाँ गया? हाँ? कुछ नहीं नहीं मौसी, ऐसी कोई, अरे नहीं मैं देख के आता, कोई घूमने गया होगा, अभी आ। और कुछ नहीं मौसी, चिंता ना करो, तुझे कुछ नहीं है।
तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। कश्ती कोई डूबती पहुंचा दो किनारे पे, तुमको अपने आप ही किनारा मिल जाएगा। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुम बेसहारा हो तो। हंस कर जिंदा रहना पड़ता है, अपना दुख खुद सहना पड़ता है। रास्ता चाहे कितना लंबा हो, दरिया को तो बहना पड़ता है। तुम हो एक अकेले तो रुक मत जाओ, चलो निकलो, रास्ते में कोई साथी तुम्हारा मिल जाएगा। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुम बेसहारा हो तो। ना बस्ती में ना वीरानों में, ना खेतों में ना कलियानों में, ना मिलता है प्यार बाजारों में, ना बिकता है चैन दुकानों में। ढूंढ रहे हो तुम जिसको, खुद को बाहर मत ढूंढो, मन के अंदर ढूंढो, प्रीतम प्यारा मिल जाएगा। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुम बेसहारा हो तो। नमस्ते, आप कौन? जी मैं यहाँ से गुजर रहा था, आप लोगों का ये गीत सुनकर रुक गया। अच्छा अच्छा, यही तो खूबी है इस गीत में, चलते को रोक देता और बड़ी खूबसूरती से कहता है जिंदगी में जीना सीखो। आप ठीक कहते हैं, मैं भी थोड़ी देर के लिए भटक गया था। इस गीत को सुनकर लगा जैसे राह मिल गई। क्या बात है, कोई परेशानी है? जी वो परेशानी तो है, मगर थोड़े फूल हैं कांटे हैं जो तकदीर ने बांटे हैं, यही तो जिंदगी है। जी देखो, अगर तुम्हें किसी बात की परेशानी हो तो इस गाने को पढ़ लिया करो, सब परेशानियां दूर हो जाएंगी। आओ मैं तुम्हें लिखा दूं। मुझे ये गीत आता है। आता है? जी बहुत साल पहले मैंने ही ये गीत लिखा था। अच्छा अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? श्रीकांत। अरे सुनो बच्चों सुनो, ये वही सज्जन है जिन्होंने हमारे आश्रम का ये गीत लिखा है, इन्हें नमस्ते करो। नमस्ते। बड़ी खुशी की बात है कि तुम आज हमारे दरमियान मौजूद हो। भाई साहब, नाना जी आपकी इस गीत की हमेशा तारीफ करते हैं, कहते हैं जिसने ये गीत लिखा होगा कितना महान आदमी होगा। ये तो आपके नाना जी का बड़प्पन है जो अपने से छोटों को इतना मान देते हैं। ये गीत मैंने लिखा जरूर था मगर भूल गया था, मगर आज इस गीत को सुनकर ऐसा लगा जैसे आपने परसों बाद उससे मेरी मुलाकात फिर से करवा दी। बस बस बेटा, हमेशा ऐसे ही अच्छे गीत लिखा करो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। अच्छा जी मैं चलता हूं। नमस्ते। नमस्ते। Ah
था रे तू? कहां चला गया था? जानता घर पर सब? चल 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 घर चल। आओ आओ संजय, कुछ इंतजाम हुआ? नहीं सर, नहीं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं, किसका दरवाजा खटखटाऊं कि मुझे पैसे मिल सके? अच्छा बैठो तो सही, बैठिए। एक तकलीफ है, मैं तो तुमसे पहले भी कितनी बार कह चुका हूं कि तुम कितने पॉपुलर हो, लोग तुम्हारे गाने कितने पसंद करते, लेकिन फिर भी न जाने क्यों तुम जिद करके बैठे हो कि नहीं पब्लिक के सामने नहीं गाऊंगा। मैं कहता हूं एक बार स्टेज पर आओ, पब्लिक के सामने गाओ, फिर देखो कितना पैसा इकट्ठा होता है। संजय मैं कहता हूं गाओ, गाओ स्टेज पर गाओ। गाऊंगा, पब्लिक के सामने जरूर गाऊंगा। लेकिन ब्रदर सुमिता को पता चल जाएगा। जानता हूं सुमिता मुझे गलत समझेगी, समझने दो। मेरी जिंदगी से चले जाएगी, जाने दो। डैडी बुरा मानेंगे, मान ले दो। इस वक्त सवाल सिर्फ श्री का है और इसकी जिंदगी का। इसकी जिंदगी के लिए मैं अपनी सारी कसमें तोड़ दूंगा। तो फिर शो के लिए पब्लिसिटी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। You're right, sir. You're absolutely right. हाँ। किशन सिंह, ये लॉकेट है, ये मेरी माँ का आशीर्वाद है, इसे बेचकर। नहीं ब्रदर, नहीं, मैं इसे नहीं बेचने दूंगा। मैं जैसे कह रहा हूं वैसे करो, वक्त बहुत कम है। कल शहर का कोना कोना शो के पोस्टर से भर जाना चाहिए। अरे वाह, मैं उसे ऐसे देखूंगी जैसे आपको देखी हूँ, बिल्कुल फेस टू फेस। तो मैं भी तेरे प्रीतम को देखूंगा फेस टू फेस। ये नाना जी। आई एम फ्री नाइट। डॉक्टर साहब ये 15,000 रुपए हैं, बाकी के रुपए मैं एक दो दिन में दे जाऊंगा। वेरी गुड। हम 20 तारीख का ऑपरेशन कर सकते हैं। 20 तारीख को? डॉक्टर वेरी गुड। 19 को मुझे जरा सा काम भी है और 20 को मैं बिल्कुल फ्री हूं। लेकिन 19 को सुबह पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। 19 तारीख को? इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम डॉक्टर, नो प्रॉब्लम। देखिए केस काफी सीरियस है, इसे पोस्टपोन करना नहीं चाहिए। नहीं डॉक्टर, हम 19 तारीख को सुबह ही श्रीकांत को यहां ले आएंगे। देखिए सुषमा देवी जी, अरे झुक जा, आज ही आप कलकत्ते में आए और आज ही आपके बेटे का प्रोग्राम है। अरे झुक जा। ये तो बहुत अच्छा हुआ, मैं ये प्रोग्राम देखने जरूर जाऊंगी। जरूर जरूर, चौधरी साहब भी चलेंगे, मैं भी चलूंगा। He is not responding to any treatment. Let me see. उसकी खासियत तो कभी क्यों नहीं? क्या होगा? Just hold on. Don't be alarmed, my friend. Relax. Relax, my son. Take it easy. Take it easy. You'll be all right. Doctor, you come with me. Sister, give him the sitting position. Yes, doctor. Doctor Sen, his condition is not at all good. Send for the anesthetist and I'll operate immediately. Okay. Mrs. Mathur, अचानक श्रीकांत की हालत खराब हो गई है।
उसका ऑपरेशन अभी करना पड़ेगा। अभी करना पड़ेगा, इसे इमरजेंसी केस। अब आइए मेरे साथ, आप यही रुकिए, आइए। ऑपरेशन से पहले गार्जियन को एक कॉन्सेंट लेटर साइन करना पड़ता है। घबराइए नहीं, जस्ट ए फॉर्मेलिटी, बैठिए ना। डॉक्टर साहब, मेरे शरीर बच जाएगा ना, मेरे पति की यही एक आखिरी निशानी है। आप धीरज रखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। प्लीज आप रोइए मत। रोना तो मुझे इतने दुर्भाग्य पर आता है। पति थे जवानी में अंग्रेजों की गोलियों का निशाना बनकर देश के लिए शहीद हो गए, और अब बेटा। क्या नाम है आपके पति का? आनंद माथुर। आनंद माथुर, ये नाम कुछ सुना हुआ लगता है। क्या कहा आपने, देश के लिए शहीद हो गए? जी। हाँ, अब याद आया, तो आप ही आनंद माथुर की धर्मपत्नी हैं। अब जरा बाहर बैठिए, मैं अभी आता हूं। एक छोटी सी ख्वाहिश थी, आज आज आखिरी बार तेरा गीत सुनता, लेकिन नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलते। जब तू ठीक हो जाएगा ना, मैं तुझे बहुत से गीत सुनाऊंगा। हाँ अच्छा, तू चल, तू हमेशा लेट पहुंचता है ना। जाता हूं, तू फिक्र मत करना, देख शो एकदम ग्रेट होना चाहिए। अरे हाँ, एकदम ग्रेट होगा, तू फिक्र मत कर। तू जा, जा ना। जाता हूं। माँ, बेटा, नहीं माँ, ठीक हो जाएगा। चलो, अब तो जा रहा हूं, मैं ठीक हूं, तेरी शो का वक्त हो गया है। नहीं मौसी, मौसी आज मैं नहीं गा पाऊंगा। अरे पगले, आज ही तो तेरा इम्तिहान है और तू आज ही हिम्मत हार रहा है। मौसी ठीक कहती है, लेकिन मैं कैसे गाऊंगा? नहीं यारू, तू गाएगा, तू फिक्र ना कर, वाह गुरु करेगा सब ठीक हो जाएगा। चल चल, जा बेटे, जा। जैसे ऑपरेशन हो जाए ना, मुझे टेलीफोन कर लेना। हाँ हाँ, तू फिक्र ना कर, जा जा। सत श्री अकाल बाबू जी। अरे सरदार जी, आप यहाँ? आपका दोस्त संजय स्टेज पर गा रहा है, आप फंक्शन में नहीं गए? हाँ बाबू जी, मेरा दूसरा दोस्त श्रीकांत है, उसका ऑपरेशन है जी। कौन श्रीकांत? मुझे अच्छे अच्छे गीत लिखता है। हाँ जी हाँ जी। ओ, कौन ऑपरेशन कर रहा है? डॉक्टर सेन? हाँ जी बाबू। हाथ पर फिक्र ना करो, ठीक हो जाएगा। वाह गुरु करे ठीक हो जाए बाबू जी। आप इधर कैसे बाबू जी? मालूम नहीं भाई, डॉक्टर सेन ने कहा कि चले आओ, तो मैंने ये श्रीकांत की माता जी है। पिताजी,
आशीर्वाद दीजिए। उठो बहू उठो। तो क्या श्रीकांत मेरे आनंद का बेटा है? हाँ। क्या हुआ उसे? टीबी। टीबी? और वो भी आखिरी स्टेज पे। भगवान न करे उसे कुछ हो गया तो। तुम घबराने बहू। नर्स, कहाँ जा रही? बैठना। आवाज की दुनिया के दोस्तों, आज पहली बार मैं आप लोगों के सामने गा रहा हूं। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप मुझे अपने बीच पाकर बहुत खुश हैं, लेकिन मेरी बदकिस्मती है कि मेरे साथ ऐसा नहीं है। अगर और कोई मौका होता तो शायद मैं आप लोगों को बहुत से गीत सुनाता, लेकिन आज मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। मेरा दोस्त श्रीकांत बहुत सख्त बीमार है। वो कलाकार जिसने आप लोगों को बहुत से गीत दिए, कविताएं दी, आज वो अकेला मौत से लड़ रहा है, और हो सकता है कि जिंदगी और मौत की लड़ाई में मौत जीत जाए, और मैं फिर आप लोगों के सामने कभी ना गा पाऊं। लेकिन आज श्रीकांत है, इसलिए मेरी भी आवाज है। न हंसना मेरे गम पे इंसाफ करना, जो मैं रो पड़ूं तो मुझे माफ करना। जब दर्द नहीं था सीने में तब खाक मजा था, जीने में जब दर्द नहीं था सीने में तब खाक मजा था जीने में। अब के शायद हम भी रोए सावन के महीने में, जब दर्द नहीं था सीने में तब खाक मजा था जीने में। अब के शायद हम भी रोए सावन के महीने में, जब दर्द नहीं था सीने में तब खाक मजा था जीने में। यारों का गम क्या होता है, यारों का गम क्या होता है, यारों का गम क्या होता है, मालूम न था अनजानों को साहिल पे खड़े होकर हमने देखा अक्सर तूफानों को। अब के शायद हम भी डूबे मौजों के सफीने में, जब दर्द नहीं था सीने में तब खाक मजा था जीने में।
जब अपने रूठा करते थे इतना तो दर्दन होता था, जब सपने टूटा करते थे अब के शायद दिल भी टूटे, अब के शायद हम भी रोए सावन के महीने में, जब दर्द नहीं था सीने में तब खाक मजा था जीने में। इस कदर प्यार तो कोई करता नहीं, मरने वालों के साथ कोई मरता नहीं, आपके सामने मैं ना फिर आऊंगा, गीत ही जब न होंगे तो क्या गाऊंगा, मेरी आवाज प्यारी है तो दोस्तों यार बच जाए मेरा दुआ, सब करो दुआ सब करो। माँ बाप को दुखी करते, देख तेरे डैडी भी आए। नहीं नहीं बेटे, तेरी जगह पांव में नहीं मेरे दिल में है। अस्पताल जा रहे हो ना, चलो हम भी साथ चलेंगे। डॉक्टर कह नहीं सकता, ऑपरेशन करते वक्त थोड़ी देर के लिए इसकी पल्स रुक गई थी। Doctor, everything is set. If you require me, give me a ring. Thank you, Doctor. Masi? तो आ गया। श्री कहाँ है? अंदर कमरे में। अंदर कमरे में श्री कैसा है? पता नहीं बहन। चौधरी साहब आप यहाँ कैसे? और तुम्हारा तो स्टेज पे प्रोग्राम था ना? माथुर साहब आपको मालूम नहीं, ये प्रोग्राम तो इसने सिर्फ अपने दोस्त श्रीकांत के ऑपरेशन के लिए किया था। बेटा आप, तुमने श्री के लिए जो कुछ किया मैं जिंदगी भर तुम्हारा आभारी रहूंगा। चौधरी साहब आपके अरुण ने मेरे बरसों के बिछड़े हुए परिवार से मिला दिया। मैं समझा नहीं। आप नहीं जानते राधा मेरी बहू है। आपकी बहू? हाँ, और मैं श्रीकांत का दादा हूँ। आप
आप श्री के दादाजी हैं? हाँ बेटा, एक बड़ी लंबी कहानी बाद में सुनाऊंगा, इस वक्त सिर्फ प्रार्थना करो कि श्रीकांत बच जाए। बाहर हैं। लाइए। आप लोगों को श्रीकांत बुला रहा है। नहीं नहीं, आप सब नहीं, मिसेस माथुर, मिस्टर अरुण, मौ साहब आप भी आइए। गीत बजा सकता हूं? वेल प्लीज प्लीज डॉक्टर। ठीक है, बजाइए, लेकिन बहुत आहिस्ता। ओके ओके बेटा, okay. डॉक्टर नर्स कुरामी। यस सर। यारों का गम क्या होता है, यारों का गम क्या होता है, यारों का गम क्या होता है, मालूम न था अनजानों को, साहिल पे खड़े होकर हमने देखा अक्सर तूफानों को, अब के शायद हम भी डूबे मौजों के सफीने में, जब दर्द नहीं था सीने में तब खाक मजा था जीने में। लगती थी जब अपने रूठा करते थे, इतना तो दर्दन होता था जब सपने टूटा करते थे, अब के शायद टूटे। श्री, अब श्री सुन सुन श्री, ये शोर, ये लोगों की तालियां, ये तारीफें, ये सब तुम्हारे लिए है। क्या क्या तू चाहता ये फिर कभी ना हो? क्या तू चाहता मैं कभी ना गाऊं? श्री श्री आंखें खोल, तू हमें छोड़कर नहीं जा सकता, तू हमें छोड़कर नहीं जा सकता। श्री श्री देख देख, ये तेरी माँ है जो जिंदगी में तेरे लिए दुख उठाती रही, अपने आंसू पीती रही, क्या क्या तू इसे जरा से भी सुख नहीं देगा? श्री अगर तू चला गया, अगर तू चला गया तो तेरी कसम, मैं
मैं भी नहीं रहूंगा। मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। लगता है खतरा टल गया, अब अच्छा हो जाएगा। कहता है कि तू अच्छा हो जाएगा। हाँ? क्यों नहीं, जिसका तेरे जैसा दोस्त हो तो क्यों नहीं अच्छा होगा। श्री श्री देख, तुझे सब मिलने आए हैं, देख ना, देख देख ना, तुझे कितना चाहते हैं रे। श्री ये तेरे दादाजी हैं। हाँ बेटा, उस दिन जब तुमसे मिला तो मुझे मालूम नहीं था कि तुम मेरे कौन हो। जब मालूम हुआ तो लगा जिसे मैंने बरसों पहले खो दिया था वही बेटा मेरे जीवन में फिर से आ गया है। जीवन तो एक जैसा होता है, कोई हंसता कोई रोता है, सब्र से जीना आसान होता है, फिक्र से जीना मुश्किल होता है, जीना मुश्किल।